हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल यकीन के ऊपर, जहां आज हम कंप्लीट करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबियाई ऑफ एनएमसी व्हिच हैज बीन रिलीज 2 days बिफोर, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आपका डिडक्ट हो चुका है एंड टिश्यू कल्चर वाला जो पार्ट था वो बायोटेक्नोलॉजी में जा चुका है, जो कि आपको आकांक्षा मैम पढ़ा रही होंगी इस वीक में। हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? काफी स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा था, सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रह गया। एक्चुअल में हम लोग उस पूरे चैप्टर को एक शॉट में इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं, इसीलिए उसका एक अलग से स्लॉट मैंने बुक कर दिया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस होगा और बहुत फाड़ू तरीके से होगा कि आप एक एक क्वेश्चन बना पा रहे हो, क्योंकि वो इतना बड़ा चैप्टर है जिससे 7-8 सवाल हर साल आने गारंटी हैं। 20, 24, 28 नंबर के इस बहुत प्यारे से चैप्टर को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते। बहुत अच्छे तरीके से डीपली पढ़ना होगा। मैं चाह रहा हूं कि उसको एक ही दिन अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया जाए, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं मंडे को अर्जुना बैच के अंदर। तो आज मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं ले पाऊंगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो हमारे अर्जुना के बच्चे हैं फिर उनकी क्लास मिस हो जाएगी। तो वीकेंड पे जब अर्जुना की क्लासेस नहीं होंगी मेरी, उस दिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्यार से डन कर देंगे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा, है ना। चलिए तो दोस्तों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करते हैं। सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, तो एक बार थम्स अप या लाल कलर के दिल उड़ा दीजिए इन द चैट सेक्शन, बिकॉज बहुत छोटा, बहुत प्यारा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। लिमिटेड पोर्शंस हैं जिनसे सवाल आते हैं। मुश्किल से 10 नाम है जो आपको याद करने हैं, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करने। सिर्फ एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, STP। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर नाम है माइक्रोब्स के और वो क्या काम करते हैं ये बात है। यानी अगर आप एक टेबल भी बनाओ तो 1 पेजर नोट्स आपके डन हो जाएंगे इस चैप्टर के। आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 पेजर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सारी चीजें कंसेप्चुअल हैं और आप कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ चुके होते हो। क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको लिंक करके बताऊंगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि आधे से ज्यादा चीजें तो पढ़नी ही नहीं है, आधे से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं करनी, राइट। तो मजा बहुत आएगा, तो एंड तक बने रहना और इतना मजा दिला दूंगा इस चैप्टर में। 5 साल के PYQs उड़ते हुए दिखाई देंगे। 5 साल के PYQs मुश्किल से 3-4 मिनट में सॉल्व करवा देंगे हम लोग, तो मजा बहुत आएगा। चलिए अब इस चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर मतलब यानी कि आपका भला हो रहा है ना। ह्यूमंस का भला कर रहे हैं कौन? माइक्रोब्स। लेकिन हमारे दिमाग में जो माइक्रोब्स की छवि है वो कैसी है? नेगेटिव है। जब से कोविड आया है हम लोग माइक्रोब्स को क्या समझते हैं? माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। अगर मेरे इस स्टाइलस की टिप पे E. coli बैठा भी हो तो मुझे दिखाई नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ माइक्रोब। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं स्क्रीन पे, आई एम नॉट अ माइक्रोब। आप मुझे दिखाई देंगे, एक चींटी हमें दिखाई देती है, एक पेड़ हमें दिखाई देता है, तो ये माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसी चीज जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, इसीलिए माइक्रो वर्ड वहां पर कॉमन है ना। और इस वर्ड का जो बेसिकली ओरिजिन हुआ था वो माइक्रोन से हुआ था, यानी कोई ऐसी चीज जिसका साइज इतने मीटर में हो, 10⁻⁻⁻⁶ मीटर में। और इस डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस डायमेंशन को 10⁻⁻⁶ मीटर को आप एक माइक्रोमीटर कहते हैं। तो यहां पर माइक्रो शब्द आया, यानी इतनी छोटी चीज जिसका डायमेंशन माइक्रोन्स में है उसे भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बुरे होते हैं। कोई बैक्टीरिया आप में डिजीज कॉज कर रहा है, कोई वायरस आप में डिजीज कॉज कर रहा है, कोई फंगस आपके शरीर पे इंफेक्शन कॉज कर रहा है, कोई फंगस फसलों को खराब कर रहा है, कोई हेलमिंथ है जिसकी कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल की स्टेज आपकी माइक्रोस्कोपिक है और वो आपके अंदर बीमारी कॉज कर रही है। तो हमारा नॉर्मल जो परसेप्शन है माइक्रोब्स को लेकर के वो बुरा है, लेकिन दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स ही कर सकते हैं। इनमें से एक चीज मैंने आपको बताई थी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, खासकर प्रोकैरियोट्स को, एक वरदान है, और वो वरदान क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन का वरदान। आप कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेकर के आओ, एक बहुत बड़ा पेड़ जो है, पूरी दुनिया का सबसे विशालकाय पेड़ जो है, वो भी खुद से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। उसको भी अपनी रूट के आसपास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए। यानी माइक्रोब्स तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। सिमिलरली आज आप एक चीज देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक फ्लो चार्ट में ही उसको हम लोग डन कर रहे होंगे। इसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब हमारे घर से जो कचरा जाता है, कचरा मतलब बेसिकली सीवेज वेस्ट, यानी हमारे बेसिकली कमोड़ से जो चीजें बाहर निकलती हैं, है ना, जो यूरिनल वेस्ट है, जो आपका बेसिकली एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यानी जो एक्सक्रीटा है जो आपका गटर में जमा होता है, दैट इज बेसिकली सीवेज। तो उस सीवेज को ट्रीट करने की भी प्रॉपर्टी जो है वो माइक्रोब्स के पास है। आज तक कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ जो सीवेज को ट्रीट करके लेस पॉल्यूटिंग बना पाए, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमें भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा जो एक्सक्रीटा होता है इट इज़ फुल ऑफ डेडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इस एक्सक्रीटा को, आप इस गटर की गंदगी को डायरेक्टली ड्रेनेज पाइप से डाल देंगे नदियों के अंदर, तो वही पानी रिसर्क्यूलेट होकर हमारे तक पहुंचेगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने ही एक्सक्रीटा का एक छोटा सा पार्ट कंज्यूम कर रहे होंगे जो पैथोजेनिक है, राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग बीमार पड़ रहे होंगे खुद के ही रिसर्क्यूलेटेड एक्सक्रीटा से। तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो खास काम है, ये भी सिर्फ माइक्रोब्स ही कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होंगे। प्लस और भी कई चीजें हैं, काफी ऐसी चीजें जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो। एंटीबायोटिक्स, जिसने दुनिया का एकदम नक्शा ही बदल के रख दिया। पहले ऐसी काफी सारी बीमारियां थी जो लाखों में लोगों को मार देती थी, लाखों लोग हर साल मर जाते थे छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, जिनको एंटीबायोटिक्स ने आकर के एकदम इरेडिकेट कर दिया है, इस दुनिया से हटा दिया है। और काफी सारी एंटीबायोटिक्स हम अभी भी कंज्यूम करते हैं। जैसे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से वो बनती है, बैक्टीरिया से बनती है। आप न्यूमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से वो बनती है। अगर आप दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटाटम नाम के एक फंगस से डेराइव करी गई थी। यानी जो एंटीबायोटिक्स है ये तो अच्छी चीज है, ये तो हमारी जान बचा रही है। सिमिलरली आप जो कर्ड कंज्यूम करते हो, आप जो योगर्ट कंज्यूम करते हो, आप जो ब्रेड खाते हो, आप शराब तो नहीं पीते होगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर कोई शराब पीता है तो ये ब्रिवरी इंडस्ट्री जिस चीज पे चल रही है, दैट इज ऑल्सो एन ईस्ट विच इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे थे, फंगस में जो किंगडम फंजाई है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, फिलामेंटस थे, राइट। हम लोग क्या कह रहे थे, भाई फंगस कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, इस प्रकार का होता है ना, इसमें आपके हाइफे होते हैं, राइट, इस प्रकार का आपका फंगस होता है, न्यूक्लियस भी होता है इसमें। यहां मैंने क्या बनाया है, सेप्टेट हाइफा बनाया है, एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस बनाया है, सेप्टेट हाइफा बनाया है। तो यहां पर अगर आप देखें दोस्त, तो ये जो हाइफा है ये तो फिलामेंटस फंगस में मौजूद है, लेकिन आपका एक ऐसा भी फंगस था जो फिलामेंटस नहीं था, जो यूनिसेलुलर था। क्या नाम था उसका, ईस्ट, जिसे हम कह रहे थे सैकेरोमाइसिस। और सैकेरोमाइसिस स्टार्टिंग के तीन अल्फाबेट क्या कहते हैं, SAC, सैक, यानी वो सैक फंगस का एक पार्ट था, यानी एस्कोमाइसिटिस का एक पार्ट था। तो उसी को हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, यानी वही ब्रिवरी इंडस्ट्री में काम होता है शराब बनाने के लिए। और उसी को हम बेकर्स ईस्ट कह रहे थे, वही बेकरी में भी इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने के लिए। यानी ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रोब है, ऐसा फंगस है जो आपके खाने और पीने दोनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। अगर ब्रेड खानी है ब्रेड खा लो, शराब का सेवन करना है शराब का सेवन भी मैं तो नहीं करने दूंगा, बाकी जैसे जिसकी इच्छा, भाई, है ना, कितना ही माइक्रो मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, और बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अमित दुबे, प्लास्टिक पे कोई माइक्रोब काम करता है? बिल्कुल करते हैं, है ना। और अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड काफी सारे ऐसे माइक्रोब्स भी तैयार किए जा रहे हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को आपका क्या कर सके, कम कर सके। काफी सारे ऐसे भी माइक्रोब तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे माइक्रो एल्गी जो है उनको तैयार किया जा रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, जो कि फ्यूल बना सके, यानी एज अ बायोफ्यूल यूज कर सके, यानी एज एन ऑर्गेनिक पेट्रोल यूज किया जा सके उसको। तो काफी चीजों पे काम चल रहा है, और ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली बायोटेक में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां भी आप बोलोगे टाइम बचने पे आई विल डिस्कस। देखिए दोस्तों, माइक्रोब होते क्या है, माइक्रोब जो है मेजर कंपोनेंट बनाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम का। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या होता है दोस्त, बायोलॉजिकल सिस्टम में अकॉर्डिंग टू RH विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन भाई साहब ने। कौन सी साल में, 1969 में। इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम 5 कैटेगरीज में, 5 किंगडम्स में तोड़ सकते हैं। पहली कैटेगरी, पहली किंगडम है किंगडम मोनेरा, दूसरी कैटेगरी, दूसरी किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरी कैटेगरी, तीसरी किंगडम है फंजाई, चौथी कैटेगरी, चौथी किंगडम है किंगडम प्लांटे, और पांचवी कैटेगरी, पांचवी किंगडम है आपकी किंगडम एनिमेलिया। ये बात हम लोगों को पता है। अब सर ये तो हमें पहले से पता था, तो ये आपने लिखवाया क्यों, अभी बताते हैं। मोनेरा जो है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक हैं? बिल्कुल। अगर सारे ऑर्गेनिजम्स ही यूनिसेल्युलर हैं तो सारे ही लगभग, है ना, एक सेल का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है, तो कुछ एक्सेप्शनल बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका साइज अच्छा होता है, मिलीमीटर्स में होता है, लेकिन ज्यादातर या मैक्सिमम 99.99999% अदर देन अ फ्यू एक्सेप्शन सारे क्या है, माइक्रोब्स ही होंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप देखो तो प्रोटिस्टा जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, तो यहां भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, यूनिसेलुलर हैं, तो माइक्रोब्स ही होंगे। फंगस की अगर आप बात करें तो फंगस जो है ये आपका ईस्ट कैरी करता है। ईस्ट कैसा है आपका, यूनिसेलुलर है। ईस्ट आपका कैसा है, यूनिसेलुलर है, तो ये भी आपका माइक्रोब हो गया। When it comes to plant, तो काफी छोटे छोटे कुछ एल्गी हो सकते हैं जिनको हम प्यार से कहते ही हैं क्या, माइक्रो एल्गा। माइक्रो एल्गा इनका नाम ही है क्योंकि ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं। एल्गी में आपको पता है यार, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। When it comes to animalia, some animals have a phase. Sorry, have a phase in their life cycle that can be microscopic. यानी कुछ एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ में एक फेज आता है ना, लाइफ का कोई छोटा सा पार्ट हो गया, कोई लाइफ साइकिल की एक छोटी सी कड़ी हो गई जो कि आपकी माइक्रोस्कोपिक है। जैसे काफी सारे हेलमिंथ होते हैं, एस्केलमिंथ के बारे में आपने सुना होगा, राउंड वॉर्म कहा जाता है, तो कहने के लिए तो वो राउंड वॉर्म है ना, लेकिन वो कुछ ऐसी स्टेजेस शो करता है जो बहुत छोटी होती हैं, जो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही होती है ना। तो यहां पर आपका लगभग हर किंगडम में माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, हर किंगडम में भी पाए जा सकते हैं, और अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, है ना, एयर वाटर लैंड, लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। एयर वाटर लैंड हर जगह पाए जा सकते हैं। भाई आप यहीं से एग्जांपल्स उठा लीजिए। क्या इस हवा में फंगस नहीं होगी? थोड़ी बहुत। क्या इस हवा में बैक्टीरिया नहीं होंगे? थोड़े बहुत, बिल्कुल होंगे। सर प्रूफ करके दिखाइए। ये मेरा टेबल है मेरी आंखों के सामने, इसके ऊपर रोटी का एक टुकड़ा रखूंगा और 4 दिन तक रखा रहने दूंगा, क्या उसके ऊपर फंगस नहीं लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। तो क्या वो फंगस मैंने लाके डाली है बाहर से? रोटी का टुकड़ा यहीं था, कमरा मेरा बंद था, फिर भी फंगस आ गई, इसका मतलब कुछ तो फंगस होंगे ना, और रोटी को खा खा के वो ग्रो कर गए। यानी अल्टीमेटली मेरे आसपास फंगस तो है, चाहे बहुत कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। सिमिलरली मेरे इस पेन की स्टाइलस पे हो सकता है बैक्टीरिया वायरस बैठा हो, बिल्कुल हो सकता है ना। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड, एंड इनफैक्ट कुछ तो ऐसी चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स है भी नहीं, भाई वो भी आपके यहां माइक्रोब्स में पाए जा सकते हैं। भाई आरएच विटेकर साहब ने ये 5 किंगडम हमको बताई, पर कुछ ऐसी भी चीजें थी जो इस 5 किंगडम में इंक्लूडेड नहीं थी। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं थी? वायरस इंक्लूड नहीं था, वायरॉइड इंक्लूड नहीं था, प्रायॉन इंक्लूड नहीं था। भाई हैं तो ये भी माइक्रोब्स ही, मना थोड़ी कर दोगे। वायरस का साइज तो दुनिया के सबसे छोटे लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, तो ये तो और माइक्रोस्कोपिक हुआ दोस्त, ये तो और माइक्रोस्कोपिक हो गया। अगर आप बात करें एक माइकोप्लाज्मा की तो उसका साइज क्या था, 0.3 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, जबकि वायरस का साइज क्या था, 0.02 to 0.2 माइक्रोन, यानी लगभग हमारा जो माइकोप्लाज्मा है इससे भी 15 गुना छोटा। तो जाहिर सी बात है ये भी तो सारे के सारे किसमें आए, ये भी तो माइक्रोब्स में ही आ गए, है ना। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर एयर वाटर लैंड में तो ये पाए ही जाते हैं, आपके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। आपको हमेशा कहा जाता है, जब भी आपको पेट से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर्स हमेशा आपको कंसल्ट करते हैं कि रफेज खाइए। रफेज मतलब सलाद खाइए, खीरा खाइए, है ना, फाइबर खाइए, गाजर खाइए। क्यों? क्योंकि बेसिकली उस सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करते हैं कौन, आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स, और आपकी बॉडी में आपकी डाइजेशन में काफी हेल्प करते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली ये आपकी खुद की बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, इतने कॉस्मोपॉलिटन हो सकते हैं। किसी और ऑर्गेनिज्म में बीमारी कॉज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी पाए जा सकते हैं, राइट। यहां पर देखिए दे कैन बी एक्सट्रीमोफाइल्स ऑल्सो। नाम को तोड़ लो भाई, नाम को तोड़ लो, क्या है नाम? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, हार्श कंडीशन, और फाइल मतलब प्यार करने वाले। तो ये क्या है? हार्श कंडीशन को प्यार करते हैं, हार्श कंडीशन को प्यार करते हैं। क्या इनको हम खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं? क्या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पहले से जानते हो? यस। कौन है ये? आर्कीबैक्टीरिया, जिनको हम लोगों ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था। ये वही तो है भाई, यहाँ पर बस भेस बदल के बैठा है। क्या इसे आप आर्कीबैक्टीरिया के अंदर नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो। अब आर्कीबैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ी थी? मेनली तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, है ना? थर्मोएसिडोफिल, थर्मोएसिडोफिल, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले, 100 डिग्री सेल्सियस आपके गीजर में भी पाए जा सकते हैं। एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन में पाए जाने वाले, आपके 2 pH तक भी पाए जा सकते हैं। इतनी ज्यादा एसिडिक और थर्मल कंडीशन को प्यार करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। कई आपकी बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन को प्यार करते हैं, सॉल्ट यानी हेलो, तो क्या बोलोगे? हेलोफिल। भाई सॉल्ट को हेलोफिल क्यों बोला? व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के बताइए, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के बताइए फटाफट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला लिखकर बताइए फटाफट। अब इससे आसान सवाल मैं पूछ नहीं सकता, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो। टेबल सॉल्ट का, नमक का फॉर्मूला लिख करके बताइए। NaCl, NaCl में Cl क्या है? NaCl में Cl क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन क्या है? हेलोजन है, हेलोजन, हेलोफिल। हेलो हेलो कर दो भाई दोनों टर्म्स एक दूसरे को। बात समझ पा रहे हो? कहां से नाम डेराइव किए जाते हैं? एवरीथिंग हैज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड। हेलोजन से हेलोफिल वर्ड आया है, यानी नमक को पसंद करने वाले। और क्या होते हैं भैया? मिथेनोजन। गट ऑफ रूमिनेंट में आज आप पढ़ोगे भी ये बहुत बहुत डिटेल में। मिथेनोजन्स, मिथेनो मतलब मिथेन यानी CH4, जन मतलब जनरेट करने वाले। तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स रूमिनेंट्स जो घास खाते हैं, उनके पेट में एक एडिशनल चैम्बर होता है। हमारा पेट तो नॉर्मल है, उनके पेट में हार्ट की तरह चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स। एक चैम्बर का नाम है र्यूमन, तो र्यूमन है, उसी बेसिस पे उनका नाम रूमिनेंट रखा जाता है। तो उनके पेट में जो चैम्बर है र्यूमन, वहां पर बेसिकली आपका सेल्यूलोज डिग्रेड होता है, क्योंकि वो घास खाते हैं। घास में क्या है? सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज अगर है तो वो टूटेगा और कार्बन कंपाउंड्स बनाएगा, तो वो मीथेन बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीथेनोजन। और मीथेन क्या है? आपकी काफी अच्छी फ्लेमेबल गैस है। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको पाइप से निकाल सकते हैं। अगर हम गोबर गैस बना रहे हैं तो हम मीथेन का इस्तेमाल करते हैं घर में लाइटिंग और कुकिंग के लिए। एक लेवल तक आपको अच्छी खासी एनर्जी गोबर गैस से या बायोगैस से तैयार होती हुई मिल जाती है। तो अभी तक हर चीज लिंक मिली है, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया ही नहीं है। अभी तक तो हर चीज हम लोग बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, करेक्ट है? अब देखिए यहां पर अलग अलग शेप ऑफ बैक्टीरिया होती है, अलग अलग शेप ऑफ बैक्टीरिया होती है। यहां पर देखिए आपके रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड शेप बैक्टीरिया क्या बोले थे? बैसिलस। यहां पर गोलमेटोल बैक्टीरिया है, क्या बोले? कोकस। ये आपका रॉड शेप बैक्टीरिया है, जिससे क्या निकल रहे हैं? आपका फ्लैजेला। तो अल्टीमेटली क्या हो गया यहां पर? फ्लैजेला हो गया, है ना? तो फ्लैजेलेटेड बैसिलस है ये। हमने क्या कहा था दोस्त? हमने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहा था कि बैक्टीरिया की 4 शेप है, गोलमेटोल कोकस, रॉड शेप आपकी बैसिलस, जिसके सेंटर के आसपास क्या पाया जा रहा था? ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है, जो मोटा वाला पार्ट है, इसके सेंटर में क्या पाया जा रहा था? आपका एंडोस्पोर। और क्या मिल रहा था दोस्त यहां पे? और मिल रहा था आपको कॉमा शेप विब्रियो, आपको मिल रहा था कॉमा शेप्ड विब्रियो। और आपको मिल रहा था स्प्रिंग शेप स्पाइरलम, जिसके दोनों साइड पे क्या लगे हुए थे? फ्लैजेला लगे हुए थे, फ्लैजेला लगे हुए थे। यहां पर क्या हो गया इसका नाम? गोल गोल कोकस कोकाय, रॉड शेप बैसिलस बैसिलाय, सेंटर पे एंडोस्पोर, एंडोस्पोर हो गया ये, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना हुआ। ये क्या हो गया आपका? विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलरी जो कि आपका कॉलेरा कॉज करता है, वो इसी शेप का होता है। ये क्या हो गया? स्पाइरल शेप स्पाइरिलम। ये क्या हो गया आपके? फ्लैजेला। भाई ये भी कंसेप्ट पहले से पता था, इसमें भी कुछ नया नहीं पड़ा, यानी अभी तक तो कुछ सीखा ही नहीं है भाई। अभी तक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से कुछ फैक्ट आए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ही एक डायग्राम आया, और आगे चल के एक नई लाइन आपको पढ़ने को मिलेगी। यह भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसका डायग्राम है आपका? यह डायग्राम है दोस्त आपका किसका? बैक्टीरियोफेज का, जिसमें हेड जो है इस पार्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और यह स्ट्रक्चर हम लोग पहले से अच्छे से देख चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो हेड है यह आपका क्या है? मल्टीफेज्ड है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रल हेड। बहुत सारी साइड है ना इसमें, बहुत सारी साइड है, तो यह क्या है? पॉलीहेड्रल या पॉलीगोनल हेड है ना। और ये क्या है भैया? ये क्या है आपका? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ये है आपका एडिनोवायरस, और एडिनोवायरस का नाम पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ यही है। सवाल क्या पूछा जाएगा? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कई बार ऐसा हो सकता है अलग अलग माइक्रोब और उनसे होने वाली बीमारियां आपको दे दी, तो कुछ बीमारियां, कुछ माइक्रोब्स ले लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, कुछ ले लेंगे आपकी प्लांट की डिजीज, कुछ ले लेंगे वायरस की, कुछ ले लेंगे वायरॉइड की, और एक अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना है तो बीच में डाल देंगे एडिनोवायरस, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और एक बहुत प्यारा सवाल यहां पर जनरेट हो जाएगा, और काफी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर इस लिगेंड पे कोई ध्यान नहीं देता। जो इमेज के साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, फिगर के साथ, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको लिगेंड कहा जाता है। जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है, सेम इसको लिगेंड यहां पर बोला जाता है। तो यहां पर ये जो लिगेंड है इसमें देखिए एडिनोवायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये सवाल बन सकता है ना, और अच्छा सवाल बन सकता है ना। तो एडिनोवायरस को यहां पर ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। अब टोबैको मोज़ेक वायरस वैसे तो आपका स्पाइरल दिखाई दे रहा था, यहां पे इसका बहुत बड़ा डायग्राम है ना, बहुत मैग्नीफाइड डायग्राम है। एक वायरस कितना छोटा होता है, तो उसको आप इतना मैग्नीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आपका दिखाई देगा। बहुत ज्यादा आपका वायरस यहां पर रॉड शेप दिखाई दे रहा है, इसका बड़ा आप आउटलाइन देखोगे तो पूरी रॉड आपको दिखाई दे रही है। यस, इस तरीके की आपकी रॉड है। लगभग वायरस को 1.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाया है, राइट। तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे वायरसेस, काफी सारे बैक्टीरिया आपको दिखाए हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कॉलोनी फॉर्मेशन। क्या आप एक वायरस को कभी भी देख सकते हो? नहीं। क्या आप एक बैक्टीरिया को कभी भी देख सकते हो? नहीं। क्या आप बैक्टीरियल कॉलोनी को देख सकते हो? यस। बैक्टीरियल कॉलोनीज कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। ये एक पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट कैसे समझाऊं? पेट्री प्लेट कैसे समझाऊं? ये हमारे विजिटिंग कार्ड्स हैं, इनको देते हैं, निकाल। ठीक है, ये एक प्लेट है प्लास्टिक की, सेम इसी तरीके की गोल प्लेट होती है, सेम इसी प्लास्टिक की, इसी मटेरियल की। दिस इज कॉल्ड एज पेट्री प्लेट। अब इस पेट्री प्लेट में आप क्या करते हो? इस पेट्री प्लेट में आप क्या भर देते हो? न्यूट्रिएंट भर देते हो। जैसे हमारे पास और कुछ नहीं है तो न्यूट्रिएंट के नाम पे हम लोग क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं, है ना। हम लोग क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। सो न्यूट्रिएंट तो हमारे पास है नहीं, पानी है, पानी को थोड़ा सा यहां पर भर लेते हैं, राइट। ये पानी है हमारे पास, इसको क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर भर लेंगे। दिखाई दे रहा है? पानी भर गया। अब भैया पानी भर गया तो क्या मैं इसको ग्रो कर पाऊंगा? पानी भर गया, क्या इसको मैं ग्रो कर पाऊंगा? है ना, इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर पाऊंगा? ये पानी तो हिलेगा, देखो पानी हिल रहा है। तो मुझे क्या ऐड करना है इसमें? क्या पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में? आराम से बताइए। मैं अगर इसमें लिक्विड न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड कर रहा हूं तो मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था उस टाइम पर कि आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो कि रेड एल्गीथीन से क्या बन रहा था? अगार बन रहा था। अब अगर मैं इसमें अगार ऐड कर देता हूं, ये पानी या फिर ये न्यूट्रिएंट मीडिया यहीं जम जाएगा। अगर ये यहीं पर जम जाएगा तो इस सॉलिड मटेरियल पे तो बैक्टीरिया एनकरेज कर पाएगा ना, और ग्रो कर लेगा। और खाने पीने की चीज है ही, क्योंकि खाने पीने के माल के ऊपर ही तो बैठा है ये। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ग्रो करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, और ओवरनाइट अपनी कॉलोनीज बना लेगा। समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए, दिस इज अ पेट्री प्लेट। ये सेम जो मैंने आपको दिखाई कांच की, इसी हिसाब की आपकी एक पेट्री प्लेट होती है। ये आपकी पेट्री प्लेट होती है, ये पेट्री प्लेट होती है ना। दो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि एक में कॉलोनी भी तो दिखाऊंगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? ये आपकी पेट्री प्लेट थी, इसमें खाने पीने का मटेरियल हम लोगों ने भर दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया। खाने पीने का मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है दोस्त, खाने पीने का मटेरियल यहाँ पर भरा और यहाँ पर भी ये मटेरियल तो रहेगा, इसको सॉलिडिफाई कर दिया क्या डाल के, अगार डाल करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया रखा, बैक्टीरिया रखा तो एक चीज आपको समझनी है कि वो बैक्टीरिया या जो फंगस में रख रहा हूं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, एक कॉलोनी है ना, समझिए ये प्लेट है, इस पे काफी सारे आपके बैक्टीरिया हैं, काफी सारे बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में से ऐसा मेरे पास एक स्ट्रीकर होता है, स्ट्रीकर कहा जाता है इसे, जिससे स्ट्रीक करते हैं, है ना, STREAK। इससे मैं स्ट्रीक करता हूं, मतलब किसी भी चीज को रख के, जैसे पेन है मेरा, इससे मैं ऐसे ऐसे अगर कर रहा हूं तो आई एम स्ट्रीकिंग दिस पेन। इंग्लिश टर्म है स्ट्रीक, कोई साइंटिफिक टर्म नहीं, मैं चीजों को स्ट्रीक कर रहा हूं मतलब फैला रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक स्ट्रीकर है, ये पेन जैसा ही होता है ना, स्टील का होता है, पेन जैसा ही होता है। मैं उससे इतना माइक्रोब लूंगा कि मुझे पता भी ना चले कि मैंने कोई माइक्रोब लिया है, मैंने बस टच कर लिया इसको, मैंने बस टच कर लिया और मुझे पता लग गया भाई कुछ तो आया है माइक्रोब इस पे, कुछ तो आया ही होगा, टच करने से भी करोड़ों माइक्रोब है, 5-6 तो आए होंगे, कुछ तो आया होगा। तो मैंने ऐसे स्ट्रिक कर लिया, ऐसे हल्का सा यहां से कॉलोनी में से कुछ माइक्रोब उठा लिया और अपनी ये जो कल्चर मीडियम की प्लेट थी इस पे जाके ऐसे ऐसे स्ट्रिक कर दिया। तो मुझे ना तब कुछ दिखा जब मैंने पेन पे कुछ लगाया था, मुझे ना अब कुछ लग रहा है, ना कुछ दिख रहा है जब मैंने इसके ऊपर ये स्ट्रिक कर दिया है ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर मैंने हौसला नहीं हारा दोस्त, है ना, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। तो हमने क्या किया, इसको 8-10 घंटे का टाइम दिया तो दिया, तो इसके ऊपर कुछ था नहीं, एक छोटा सा डॉट बना देते हैं। 8-10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, 20 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि यहां पर क्या है, एक बैक्टीरिया पूरी कॉलोनी बना चुका है, कॉलोनी बना चुका है। क्योंकि यहां पर क्या था मेरे दोस्त, यहां पर सिंगल बैक्टीरिया था, यहां पर सिंगल बैक्टीरिया था, तो आपको दिख भी नहीं रहा है कि मैंने एरो आखिरकार लगाया कहां पर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां पर क्या है, विजिबल कॉलोनी, यहां पर क्या है, विजिबल कॉलोनी है, यानी यहां पर आपको साफ साफ साक्षात दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरियम के झुंड या फंगस के झुंड, अगर फंगस की कॉलोनी है तो यहां पर एक आपकी जो कॉलोनी है इसमें एवरेज कितने बैक्टीरिया होते हैं, एवरेज बता रहा हूं दोस्त, इससे ज्यादा कम हो सकते हैं, 10⁶ to 10⁶⁷ बैक्टीरियम होते हैं, यानी इतनी छोटी सी कॉलोनी में 1 करोड़ बैक्टीरिया तक हो सकते हैं। अगर आप यहां पे 10 बैक्टीरिया छोड़ करके गए होते और आप अगले दिन आकर के देखते तो वो 10 बैक्टीरिया 10 करोड़ या 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने एक और बात पढ़ी थी, इनफैक्ट आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी एक बात पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दे डिवाइड फास्टर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी आपने एक बात पढ़ी थी कि एक एवरेज ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में, एक सेल से 2 सेल बनाने में 24 घंटे का वक्त लगता है, और यहां बैक्टीरिया मात्र 8 से 12 घंटे में 1 करोड़ सेल बना देता है। लिंक कर पा रहे हो चीजों को, कितने चैप्टर्स की बात बताई, लिंक कर पा रहे हो, दिस इज हाउ this colonization is done, this is how this colony formation is basically done। तो आप फंगस की भी कॉलोनी बना सकते हो, अगर आपने यहां पे फंगस डाला है फंगस की कॉलोनी बन जाएगी। एक फंगस को खाने के लिए बहुत सारा माल दो, क्योंकि फंगस तो अपना खाना नहीं बना सकता है, लेकिन उसको जब आप खाने पीने का सामान दोगे फंगस फिर अपना बढ़िया रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा, कॉलोनी बना लेगा और बैक्टीरिया भी आपका रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो सिंगल फंगस भी नहीं देख सकते आप, सिंगल बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते, देखता क्या हो आप, इनकी कॉलोनीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर की चीजों में माइक्रोब्स कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तूतक तूतिया दही जमा लेते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन चीज जो हम खाते हैं बैक्टीरिया की बनाई हुई डेली बेसिस पे, लगभग डेली बेसिस पे, दैट इज दही। तो दही कौन बनाएगा, या दूध पे अटैक कौन करेगा। दूध पे अटैक करना, दूध की प्योरिटी नापने वाले मीटर को क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। एक टॉफी आती थी, इसमें है दूध के गुण, क्या था टॉफी का नाम, महा लैक्टो। मिल्क में जो शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलन से क्या बनता है, लैक्टोज। लैक्टो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद मिल्क एवरी टाइम, वेयर एवर यू सी लैक्टो इट इज एसोसिएटेड विद मिल्क। तो क्या याद करने की जरूरत है कि दूध से दही बन रहा है तो लैक्टिक एसिड बन रहा होगा, इसी से तो लैक्टो शब्द लिया भाई, लैक्टिक एसिड बन रहा होगा, लैक्टोबैसिलस बना रहा होगा। और क्या ये याद करने की जरूरत है कि नाम लैक्टोबैसिलस है तो ये बैक्टीरिया होगा? क्या कोई जिंदगी में कंफ्यूज हो सकता है कि ये बैक्टीरिया है या फंगस? नाम ही बैसिलस है, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, तो भूलने का नो चांस, भूलने का कोई चांस ही नहीं है भाई। नाम से पता लग रहा है लैक्टो मतलब आपका मिल्क पे अटैक करेगा, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है, दूध पे अटैक करके बनाएगा क्या? दही बनाएगा। दही कब बनता है खुद सोचो। अब तुम्हारे घर की साइंस तुम्हें निकाल के समझाता हूं, दही कैसे जमता है, सारे स्टेप्स लिखो भाई। मैंने लिया दूध, जितना मुझे दही जमाना है उतना मैंने लिया दूध, समझ लीजिए 1 लीटर मैंने दूध लिया। 1 लीटर दूध में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 1 चम्मच 2 चम्मच दही डालूंगा। दही जमाने के लिए भी दही चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जो दही है उसमें पहले से लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो दूध में जाकर के उनके प्रोटीन्स को यूज कर करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो मिल्क के प्रोटीन्स थे उनको पार्शियली डाइजेस्ट या कोएगुलेट कर देंगे। और जब कोई चीज कोएगुलेट होती है, आसपास इकट्ठी होती है, तो क्या वो ज्यादा टाइट हो जाएगी? भाई दूध जो है लिक्विड है पूरा, दही आपका क्या है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गया है, क्यों? क्योंकि उसके प्रोटीन जब पार्शियली डाइजेस्ट हुए तो सॉलिडिफाई हो गई ना, चीजें पास पास आ गई, बॉन्डिंग बढ़िया बन गई, पार्शियली कोएगुलेट हो गए ना, तो प्रोटीन इकट्ठे हो गए हैं डाइजेस्ट होने के बाद, तो दैट्स व्हाई आपका दही मोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही बातें कही गई हैं भाई। आपके कुछ एसिड्स बनेंगे, अब नाम है लैक्टिक एसिड, तो जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड बनेगा जो कोएगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। दही जमाने के लिए आपको पहले दही डालना पड़ा, इसको क्या कहते हैं, इनोक्यूलम कहते हैं। इनोक्यूलम को हम लोग प्यार से हिंदी में क्या कहते हैं, जामन कहते हैं। जब मम्मी दही जमाती है तो ऐसे मैं पूछता था ना बचपन में कि क्या कर रहे हो, दही जमा रही हो, तो इसमें पहले जामन डालेंगे। जामन क्या है, थोड़ा सा दही ही है, उसका नाम जामन है। अब तुम क्या कहते हो नेटिव लैंग्वेज में वो मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जामन कहता हूं। तो जामन डाला, अब वो बैक्टीरिया ओवरनाइट आराम से मल्टीप्लाई करने लगे। एक और काम जो मम्मी करती है, अगर आपने गौर से देखा हो तो, अब सर्दी आने वाली है, सर्दी के अंदर अगर आप दही जमा रहे हो तो मम्मी क्या करती है, स्वेटर पहनाती है। जिस डब्बे में दही जम रहा है उसका ढक्कन ढका जाएगा, उसको बकायदा एक कपड़े से लपेटा जाएगा और उसको अलमारी के किसी कोने में या एकदम किचन के नीचे किसी अलमारी में, शेल्फ वगैरह में ढक दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है लैक्टोबैसिलस, दिस बैक्टीरिया needs a specific temperature to grow. Everything has science, everything has science. क्यों भैया उसको स्वेटर पहनाई आपने डब्बे को, उसको तो कोई जरूरत नहीं थी। एक्चुअल में हमने स्वेटर क्यों पहनाई, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, जिस टाइम पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते लैक्टोबैसिलस, इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए अच्छा खासा। बहुत ठंडी में दिक्कत हो जाएगी, तो आपका दही पतला ही रह जाता है, इसीलिए आप क्या करते हो उसको कपड़े से ढकते हो, है ना, जिससे कि उसको ठीक ठाक टेम्परेचर मिले, ज्यादा ठंडा ना हो, और फिर आपका दही बन जाता है। और ये दही जो है ये आपका दूध से कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी होता है व्हेन इट कम्स टू द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह दूध पीते हैं, कई लोग सुबह दही खाते हैं, ज्यादा वाइज कौन है यार? दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दूध कोई खराब चीज नहीं है, पर मैं साइंटिफिक तौर तरीकों से आपको बताना चाह रहा हूं कि किसको पचाना ज्यादा आसान है। अब सुबह ऐसा तो नहीं है कि आप नाश्ता करके ऑफिस जा रहे हो या नाश्ता करके स्कूल जा रहे हो और फिर आप भागने लग जाओगे स्कूल में। यार दही जो है इसके प्रोटीन्स पहले ही पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं, तो इसको और डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगेगा भाई। पार्शियली डाइजेस्ट मतलब आधा तो डाइजेस्ट हो चुका है ना, तो आपको भाग दौड़ करे बिना भी इजीली इसको डाइजेस्ट करना आराम से समझ में आ जाएगा। दूध जो है इट इज अनडाइजेस्टेड, उसके लिए आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हो कि भाई आपकी बॉडी कम एफर्ट मारे, ज्यादा ध्यान, ज्यादा एनर्जी आपकी सही चीज पे लगे, तो आप वाइज डिसीजन क्या लोगे, सुबह हमेशा दही, रात को सोने से पहले हमेशा दूध, क्योंकि बॉडी को एम्पल रेस्ट मिलता है जिस टाइम पर आपका मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो ये एक सही चीज है, काफी किताबों में भी मेंशन्ड है ना, काफी बुद्धिजीवी इस चीज को मानेंगे नहीं मानेंगे, एक डिबेटेबल टॉपिक है। कई बोलेंगे हम तो सुबह दूध पीते हैं तो हमें फुर्ती आती है, आती होगी यार, दैट इज कंप्लीटली फाइन, पर साइंस जो है वो ये कहती है कि दही को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है, दूध को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। पीना जब है तब पियो, दोनों में से कुछ भी, सिंपल सी बात है। अब ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करता है, कौन सा विटामिन ऐड करता है भैया, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की मात्रा बढ़ा देता है, यानी दही जो है इसमें ज्यादा साइनोकोबालामिन है, तो आप दही खाओगे तो आप में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। प्लस ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है, यानी आपके पेट को हेल्दी रखता है। दैट्स व्हाई आपने काफी सारे ऐड भी देखे होंगे कि योगर्ट खाओ, योगर्ट खाओ। योगर्ट क्या है? दही का ही एक अलग रूप है। मिल्क से काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज बनता है, बटर बनता है, घी बनता है ना, आपकी बटर मिल्क बनती है, लस्सी बनती है, छाछ बनती है ना। इसी हिसाब से आपका क्या बनता है, इसी हिसाब से आपका ये भी तैयार होता है। ऑलराइट, सो अल्टीमेटली ये जो है आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप दही खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्वाद तो आएगा ही, आलू पराठे के साथ खाओगे तो और मजेदार तो चीज है ही, है ना, न्यूट्रिशनली हेल्दी है ही। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये आप चाहो तो याद ना कर सकते हो। सिंपल बात जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बैक्टीरिया जो है ये फर्मेंटेशन से बनाता है वो डो, जिसमें होती है इडली डोसा बनाने की ताकत। यानी इडली डोसा बनाने से पहले आप क्या करते हो, किससे बनता है इडली डोसा? चावल से बनता है। तो चावल का एक डो तैयार करते हो आप, एक घोल तैयार करते हो मिक्सर में, ब्लेंडर में, और उसके ऊपर बबल्स आ रखे होते हैं। वो बबल्स किस चीज के होते हैं? वो बबल्स होते हैं CO2 के बबल्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स, माय फ्रेंड्स। तो यहां पर जो बबल्स आते हैं या जो पफ्ड अप अपीयरेंस, फूली अपीयरेंस जो आती है, ये किसकी वजह से आती है? ये आती है CO2 की वजह से। और CO2 की वजह से अगर ये अपीयरेंस आ रही है मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो मुझे एक बार फटाफट बता दो कि कौन सी फर्मेंटेशन यहां पर हो रही होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो कौन सी फर्मेंटेशन हो रही होगी? अगर CO2 रिलीज हो रहा है, विच फर्मेंटेशन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर इन दिस स्पेसिफिक केस? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। भाई लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का, पायरुवेट 3 कार्बन का, तो जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कोई CO2 के लिए कार्बन बचता ही नहीं है। गलत, लैक्टिक एसिड जो लिख रहे हैं गलत। अगर आप 3 कार्बन के पायरुवेट को 2 कार्बन के इथाइल अल्कोहल में तोड़ रहे हो C2H5OH में, तो एक CO2 बचा, एक कार्बन बचा, वो CO2 के फॉर्मेट में रिलीज होता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहां पर होती है। पायरुवेट जो है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था 3 कार्बन का, यह आपका क्या करता है? ये आपका C2H5OH बना लेता है, यानी 2 कार्बन का ये बना लेता है, प्लस आपका एक CO2 बचता है। तो CO2 रिलीज हुई है, तो फर्मेंटेशन कौन सी है आपकी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है फॉर श्योर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोबैसिलस जैसे काफी सारे जो बैक्टीरिया है यहां पर काम आते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे ईस्ट के जलवे, तो ईस्ट क्या है आपका? सैकरोमाइसिस सर्वाइसी। ये क्या करता है? बेकरी में काम आता है ना। तो ब्रेड बनाने के लिए जो डो है वो आपका कौन बनाएगा? आपका ईस्ट बनाएगा। ब्रेड बनाने के लिए जो डो है वो आपका ईस्ट बनाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेकर्स ईस्ट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेकर्स ईस्ट। और इसी को क्या कहा जाता है? ब्रीवर्स ईस्ट। जब ये शराब बनाता है तो इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ये तब है जब ये ब्रेड बनाता है, तो सबको लगता है अरे तो बढ़िया चीज है, बेकरी में इस्तेमाल हो रही है, ब्रेड बनाने के, लोगों का पेट भरने के काम आ रही है। जैसे ही मम्मी पापा बाहर गए, एकदम बढ़िया आ गया, असली रूप में शक्तिमान बन के आ गया। हाँ भाई, अब दारू बनेगी, अब बियर, ब्रांडी, रम, विस्की, ये सब तैयार करी जाएंगी। तो एक ही माइक्रोब है लेकिन काम इसके डिफरेंट है। बेकर्स ईस्ट बेकरी में, जैसा देश वैसा भेस। बेकरी है तो बेकर, अगर शराब का अड्डा है तो ब्रीवर्स, दोनों चीजें सेम ही है ना। ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब में कोई फर्क नहीं है। सैकरोमाइसिस सर्वाइसी यानी यूनिसेलुलर ईस्ट, जो कि आपका किसका मेंबर है? आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। नेचुरली अकरिंग जो ईस्ट होते हैं, जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, इनसे क्या बनती है? टॉडी। टॉडी के पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है। रोबोट पिक्चर सबने देखी है रजनीकांत साहब की। तो चिट्टी को जब डिसमेंटल कर दिया जाता है ना रोबोट पिक्चर में, तो रजनीकांत साहब को घुमाने ले जाती हैं ऐश्वर्या मैडम कि चलो यार इसका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो एक ना इंसान पीछे पड़ जाता है ऐश्वर्या मैम के। वो जब कहती हैं कि यार मेरे ना 1 घंटे के लिए बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे को अपने रजनीकांत भाई को ना क्या करना है, जेलिस फील कराना है। तो एक आदमी पीछे पड़ जाता है ना, और वो लेकर के आया होता है, अरे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या लेकर के आओगे, सूखी मछली है, ताड़ी है। दैट ताड़ी इज टॉडी। टॉडी तो इंग्लिश नाम है, देसी नाम ताड़ी है। तो वो जो मटके में भर करके ड्रिंक ले जा रहा होता है, दैट इज ताड़ी, दैट इज टॉडी। समझ पा रहे हो, कहानी बहुत जबरदस्त सुनाई ना। तो याद रहेगा वहां जो पीते हैं साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, उसे ताड़ी कहा जाता है। और ताड़ी किससे बनती है? ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम्स। पाम का जो सैप है इसको आप फर्मेंट करोगे ईस्ट की मदद से यानी फंगस की मदद से, और आपका ताड़ी बन जाती है। यहां पर अलग अलग माइक्रोब्स और भी यूज होते हैं, फिश, सोयाबीन, बंबू शूट्स, ये सब भी आप फर्मेंट कर सकते हो और इनसे अलग अलग चीजें बना सकते हो, है ना। क्या क्या बनता है यहां पर? आपने तोफू का नाम सुना होगा, है ना, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो, वो वाला तोफू नहीं, खाने का तोफू। अलग अलग चीजें होती हैं, जापान में प्राइमरीली खाई जाती हैं। बंबू शूट्स को फर्मेंट करके, सोयाबीन को फर्मेंट करके, इन्हें क्या कहा जाता है? एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहो तो तोफू हो गया, सूफू हो गया, है ना। ये जो तोफू सूफू है ये बेसिकली अलग अलग चीजों को फर्मेंट करके तैयार किए जाते हैं, है ना। तो ये तोफू सूफू जो है याद नहीं करना, बस सिंपल सी बात रखनी है भाई। आप और भी खाने की चीज बना सकते हो, थोड़ा फिश को फर्मेंट कर दिया, थोड़ा सोया को फर्मेंट कर दिया। भाई सोया सॉस तो सुना होगा, चलो तोफू सूफू नहीं सुना, सोया सॉस तो सुना है, तो सोया से ही तो बना है। तो वो कैसे बना, चटनी कैसे बनाई? फर्मेंटेशन का भी उसमें इस्तेमाल किया, तभी तो खटास आती है ना। तोफू सूफू नहीं सुना कोई बात नहीं, है ना, मैंने भी बहुत लेट जाकर के सुना था। तोफू सूफू नहीं सुना, सोया तो सुना है भाई, सोया सॉस तो सुना है ना। टेम्पे ये भी सुना है किसी ने, बहुत बढ़िया, क्या नाम है, सुपरस्टार रिक्टर, बहुत बढ़िया यार रिक्टर साहब, नाम ही तुम्हारा ऐसा है भाई, तुम तो खाते हो गए यार, तुम तो सुशी वुशी भी खाते हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो सोया सॉस है, ऐसे भी काफी सारी चीजें जो है यहां से तैयार होती हैं, है ना। एक बहुत फुद्दू सा जोक आ रहा है दिमाग में, मारूं? तो सोया सॉस था ना, इसके पास एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर गया और इसको बोला जाग जिंदगी में कुछ करना है तो सोया क्यों है? अरे यार बहुत मजा आ गया जोक मार के, अभी अभी बनाया ताजा तुम्हारे लिए, जिस टाइम पे सूफू तोफू बना रहा था ना उसी टाइम पे बनाया, है ना। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी हमारा नाम आ गया। शर्मा जी क्या देते हैं तुमको खाने के लिए? चीज देते हैं ना, चीज, स्विस चीज। ये किससे बनता है? बैक्टीरिया। क्या भूलोगे कभी कि बैक्टीरिया से बनता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, नाम में ही बैक्टीरियम आ गया, तो याद करने की क्या जरूरत है? दिमाग की मेमोरी क्यों भरते हो भाई फालतू में, है ना। बेकार जोक, कोई बात नहीं यार, अगली बार मैं मेहनत करके आऊंगा। अगली बार कुछ अच्छा बनाऊंगा यार, बट ऐसे अभी अभी माफ कर दो, नया नया है ना मेरा थोड़ा, है ना। एक दो जोक तुम और सह लो, उसके बाद थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग पे काम करेंगे, कुछ करेंगे भाई जीवन में, है ना। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, बैक्टीरिया है, नाम से ही पता लग रहा है। शर्मानी, शर्मा जी से याद कर लो, इन्होंने भाई चीज खिलाया था तुमको, मैं चीज खिला भी दूंगा, है ना। तो क्या है? स्विस चीज। अब स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स होते हैं। स्विस चीज देखा है आपने? अगर आप बोलोगे नहीं देखा, मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, आप बोलोगे सबने देखा है। टॉम एंड जेरी के अंदर एक चीज के टुकड़े पे ना पीला सा चीज का टुकड़ा था जिसमें बड़े बड़े छेद होते थे और उस पर लड़ाई होती थी टॉम एंड जेरी की, कौन लेके भागेगा। वो जो बड़े बड़े छेद वाला चीज है, दैट इज स्विस चीज। देखा है टॉम एंड जेरी? देखा होगा, मैं बना भी देता हूं, अगर रेफरेंस ना हो तो एक बार याद आ जाएगा। ऐसा ऐसा सेम ऐसा, है ना। 3D में नहीं बन पा रहा है अभी मुझसे, है ना, थोड़ा ट्राई करता हूं भाई। आहा, है तो भाई बात तो, जलवा तो है अपना। ये जो टुकड़ा है भैया चीज का, दिस इज स्विस चीज, है ना। तो जो स्विस चीज है ना, जो टॉम एंड जेरी में जिसके पीछे लड़ाई दंगा मस्ती होती थी, वो स्विस चीज जो है, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। छेद क्यों होते हैं? इसी CO2 की वजह से जो पफ्ड अप अपीयरेंस दे रही थी ना बबल, इसी CO2 की वजह से क्या होते हैं आपके स्विस चीज में छेद होते हैं। और अलग अलग टाइप के चीज होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग टाइप का कलर आता है, अलग अलग टाइप का टेक्सचर आता है, दिखने में भी अलग होते हैं, खाने में भी अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गेनिज्म से आपने वो चीज तैयार कराया। जैसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, तो नाम क्या है? बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया यूज किया है। एक चीज आता है एनसीईआरटी में, नाम है रॉक्यूफोर्ट चीज, है ना। एक चीज आता है एनसीईआरटी में, नाम भी दिया हुआ है, कौन सा? रॉक्यूफोर्ट चीज। रॉक्यूफोर्ट चीज किससे बनता है भाई? ये आपका किससे बनता है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। अब पेनिसिलियम से बना है तो क्या है? फंगस है। यानी रॉक्यूफर्ट चीज फंगस से बना है और आपका स्विस चीज बैक्टीरिया से बना है। जब बना ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म से है, फर्मेंटेशन ही अलग अलग माइक्रोब्स कर रहे हैं, तो अलग अलग फ्लेवर तो होगा ही। इसी प्रकार से और भी एक और आता है कॉमेम्बर्ट चीज, कॉमेम्बर्ट COMEMBERT कॉमेम्बर्ट चीज। तो किससे बनता है? पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी से। रॉक्यूफर्ट रॉक्यूफर्टी से, कॉमेम्बर्ट कॉमेम्बर्टी से, तो वो भी डिफरेंट होता है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग प्रकार के चीज बना सकते हैं। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या सीखा है? यहां पर हमने सीखा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही जमाने के काम आता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से इडली डोसा का डो बनता है, जबकि आपका ईस्ट की फर्मेंटेशन से ब्रेड का डो बनता है। नेचुरली अकरिंग ईस्ट से ताड़ी बनती है जो कि सैप ऑफ पाम को फर्मेंट करने से बनती है। अलग अलग माइक्रोब से फिश, सोयाबीन, बंबू शूट को आप फर्मेंट कर सकते हो। और प्रोपियोनम बैक्टीरिया यानी आपका जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी है, शर्मा जी ने आपको स्विस चीज खिलाया ला करके, और पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टी ने रॉक्यूफर्ट चीज बना दिया। अब ये तो हो गई घर की बात, दही जमाया, घर में जमाया, चीज बनाया, समझ लो घर पे बना लिया है ना। घर पे भी मम्मी घी बनाती है, मेरी मम्मी घर पे घी बनाती है, और आप लोगों के घर में भी होता होगा कि दूध लेकर के आए, दही जमाया, दही को मथा, ऊपर मक्खन आ गया, मक्खन इकट्ठा किया, कई दिन बाद जब बहुत सारा मक्खन इकट्ठा हो गया उसको आपने क्या किया? हीट किया, तो आपका घी तैयार हो जाता है। तो घर पे घी भी बनता है, लेकिन क्या घर पे इतना घी बना सकते हो? 100 लीटर, 200 लीटर नहीं, 500 लीटर नहीं। उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स आपको चाहिए होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन होती है। तो ऐसे कंटेनर जिनमें हो रही है फर्मेंटेशन, इनको क्या बोलेंगे? फर्मेंटर। नाम से ही पता लग रहा है भाई, फर्मेंटेशन करने वाले को फर्मेंटर बोलेंगे। ये 100 लीटर तक से स्टार्ट हो जाते हैं वॉल्यूम से, और 1000 लीटर तक के भी, यानी आपके घर के ऊपर पानी की जो सिंटेक्स की टंकी रखी हुई है उतने बड़े भी ये यहां पर फर्मेंटर हो सकते हैं। तो जब आपको कोई चीज बहुत बड़े स्केल पर लेकर के आनी है तो आपको बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स लेने होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स और बेवरेजेस, कोई दवाई बना रहे हो तो मास स्केल पे बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस दवाई को सस्ता बेचना है, या महंगा बेचना है तो ज्यादा मार्जिन कमानी है। बिजनेसमैन कैसे सोचेगा? यार अगर मैं सिर्फ 100 kg कोई फर्मेंटेशन करता हूं तो मुझे यार 1 रुपया अगर पड़ता है फर्मेंटेशन का तो मैं 100 रुपए दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं 500 kg कोई फर्मेंटेशन करता हूं तो 75 पैसे में मेरा काम हो जाता है। तो हमेशा क्या चाहेगा कि मास में चीजें हो, बल्क में चीजें हो, जिससे उसे सस्ता पड़े एंड अल्टीमेटली वो ज्यादा मार्जिन कमा पाए या ज्यादा सस्ती चीजें लोगों तक पहुंचा पाए। दोनों ही विजन्स हो सकते हैं। तो यहां पर आपका जो फर्मेंटर है मेरे भाई, है ना, इसमें आप दवाई बनाओगे तो समस्त संसार के लिए बनाओगे ना। अगर आप एक कंपनी में बना रहे हो तो आप सबके लिए बनाओगे कि मैं इसको जन जन तक अवेलेबल कराना चाहता हूं। जब कोविड की वैक्सीन बनी तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनी ना, पूरे देश को देनी थी। तो उसको आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार चलो पतीले में वैक्सीन बना लेते हैं, घर घर में 3 लोग हैं बना के पी लेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे। व्हेन यू नीड अ मेडिसिन यू नीड टू हैव अ कंट्रोल्ड सेटअप दैट कैन मेक दैट मेडिसिन इन मासेस, जो लाखों करोड़ों लीटर उस चीज को प्रोसेस कर पाए। सिमिलरली यहां पर बेवरेजेस, सेम केस शराब का है। देखो भाई दोनों चीजें कितनी लिंक्ड हैं। दवा दारू है ना, दवा दारू क्या बोलते हैं? दवा दारू का इंतजाम करो, कोई बीमार हो जाता है तो दवा तो मासेस में बनती है, दारू भी मासेस में बनती है। कोविड के टाइम पे देश के सारे बेवड़ों ने एकत्रित होकर देश की इकोनॉमी को सर पे उठा लिया था। शराब इतनी बिकी भाई साहब, इतनी बिकी, मैं सही बता रहा हूं। कई बार हम लोग जैसे बाहर निकलते थे कुछ सब्जी लेने के लिए, ऐसे टाइम खुलता था ना भाई, 5:30 से 7:30 का टाइम है, आज जाके जो लाना है ले आओ। जाते थे भाई साहब ठेके के बाहर, ये लंबी लंबी कतारें। मैं कहा ये क्या है? क्या कुछ बट रहा है? क्या फ्री में बट रहा है? क्या कुछ वैक्सीन बट रही है? देखा अरे भाई साहब ठेके के बाहर ये लाइनें, किलोमीटर किलोमीटर की लाइनें। तो ये है यार, तो समझ लो ना बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी ये तैयार होती है। तो इसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बनाना है, और बनाएगा कौन? गंगाधर ही बनाएगा। गंगाधर जब ब्रेड बना रहा था तो बेकर्स ईस्ट कह रहे थे अब शक्तिमान हो गया है वो, अब शराब बनाएगा। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस भी आपका कौन तैयार करता है? ईस्ट तैयार करता है। ईस्ट कौन सा ईस्ट है आपका? ये ईस्ट है आपका सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी। ईस्ट कौन है आपका? सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी, है ना, जो आपका ब्रेड बना रहा था, सेम वही सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी। ठीक है, क्या क्या बना सकता है? अलग अलग भांति भांति की दारू बना सकता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। अब भैया यहां पर ये जो शराब बन रही है ये बहुत ज्यादा अल्कोहल भी कंटेन कर सकती है, बहुत कम भी। क्या आप लोगों ने फ्रूट बियर का नाम सुना है ना? क्या आपने फ्रूट बियर का नाम सुना है? मतलब आप इतने तो बड़े हो गए हो कि दोस्तों के बीच में कूल दिखने के लिए ये बातें स्टार्ट हो गई होंगी, है ना? भाई फ्रूट बियर में बिल्कुल अल्कोहल नहीं होती भाई, कोई भी पी सकता है भाई, है ना? ऐसे मेरे को चढ़ाया था स्कूल टाइम पे किसी ने, है ना? मैंने बोला भाई जिसके नाम में अल्कोहल, बियर वियर कुछ भी आ गया हम तो नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। उसमें अल्कोहल हो चाहे ना हो, सिंपल सी बात है ना? क्योंकि बहुत दिक्कत है भाई, समझ रहे हो? कुछ चीज ऐसे बोला जाता है ना, यार इसमें ये नहीं है, आगे चल के पता लगता है इसमें तो था, राइट? तो यहाँ पर जो फ्रूट बियर है इट कंटेन्स वेरी लेस अल्कोहल और इनफैक्ट नो अल्कोहल, है ना? अभी तो इतनी सेंस है, 11वीं 12वीं में इतनी सेंस नहीं थी, कोई अल्कोहल इसमें नहीं होती। तो ये कैसे बनती है? ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी चैप्टर रेस्पिरेशन में, आराम से सुनना, चीजों को लिंक करके ऐसा बताऊंगा दिमाग में छप जाएंगे। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब ईस्ट आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, यानी ईस्ट जब शराब बनाता है तो 13% कॉन्सेंट्रेटेड शराब बनने के बाद ईस्ट खुद को पॉइजन कर लेता है। कितने लोगों को यह बात याद है? भाई मैंने आपसे यह कहा था कि 13% कॉन्सेंट्रेशन होने पे ईस्ट खुद को पॉइजन करके मार देता है, उतनी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन वो खुद नहीं झेल सकता। तो मैंने आपको यह बताया था कि 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल बनानी है कॉन्सेंट्रेटेड तो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे? डिस्टिलेशन का। तो जिसमें डिस्टिलेशन हो गई वो ज्यादा अल्कोहलिक होगी बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल होगी दोस्त। भाई जिसमें डिस्टिलेशन हो गई वो ज्यादा अल्कोहलिक होगी, बिल्कुल होगी, और जिसमें डिस्टिलेशन नहीं है वो कम अल्कोहलिक होगी। तो बिना डिस्टिलेशन वाले कौन है? आपके बियर, क्योंकि फ्रूट बियर इसी में आया जिसमें कम अल्कोहल होती है, और वाइन, ये भी 4 अल्फाबेट का है, ये भी 4 अल्फाबेट का है ना? वाइन और बियर दोनों 4 4 अल्फाबेट के हैं, तो याद आ गया। बियर से तो याद आ गया, फ्रूट बियर यानी कम अल्कोहल है, विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, तो उसी के साथ वाइन रख दिया 4 4 अल्फाबेट के। जिसमें 4 अल्फाबेट नहीं है, विस्की, ब्रांडी, रम, चाहे कम हो 4 से चाहे ज्यादा हो 4 से, ये सारे डिस्टिलेशन से बनती है। इनमें ज्यादा शराब की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, विस्की, ब्रांडी, रम। तो बियर और वाइन कैसे याद हो गई? बियर तो हम सबको पता है, फ्रूट बियर में शराब का कॉन्टेंट कम होता है, अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, तो विदाउट डिस्टिलेशन। और बाकी जो बची 4 अल्फाबेट के अलावा उनमें डिस्टिलेशन है, तो उनमें ज्यादा शराब का कंटेंट पाया जाएगा। तारा रारा हो गया है सब कुछ? एक बार फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। यहां तक सबको सारी की सारी क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अभी तक? तो एक बार फटाफट बताइए। करेक्ट है दोस्त, तारा रारा इन द चैट सेक्शन। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में भी, अभी तक तो कोई बोरियत हुई नहीं है, ना होने देंगे, है ना? क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं कहीं ना कहीं, सिर्फ उठा उठा के ला रहे हैं, यहां पर इकट्ठा कर दिया बस, है ना? ठीक है भाई, चलिए अब देखिए दवाई की बात कर लेते हैं। अब आते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर। इसके नाम के अंदर घुस जाओ यार, है ना? सर पे तेल लगाओ और नाम के अंदर घुस जाओ। क्या हो गया? एंटी बायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, है ना? यानी अगेंस्ट, अपोज कर रही है। एंटी किस चीज का अपोज कर रही है? जीवन का, है ना? जीवन का, सेल साइकिल वाले जीवन का नहीं, लाइफ का। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो? लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ व्हाट? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो हमें बीमारी फैला सकते थे, उन माइक्रोब्स को हार्म करता है, मारता है। कौन? एंटीबायोटिक मारता है। तो ये बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए एंटीबायोटिक है, हमारे लिए तो क्या है? फॉर अस दे आर प्रो लाइफ। भाई हमारी तो जान बचा रहे हैं ना, फॉर अस दे आर प्रो लाइफ। भाई ये अगर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार रहे हैं तो हमारी तो जान बचा रहे हैं, तो हमारे लिए तो प्रो लाइफ हुए ना, हमारे तो जीवन के रक्षक हुए, है ना? उनके लिए जो बीमारी कॉज करते हैं उनके लिए अगेंस्ट लाइफ हुए, तो हमें ये बात समझनी है कि ये जो एंटीबायोटिक नाम है किसके रेफरेंस में दिया गया है, ये आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रेफरेंस में दिया गया है। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे केमिकल्स तैयार करते हैं जिससे सामने वाले माइक्रोब्स की डेथ हो जाए। कैसे डिस्कवरी हुई थी दुनिया के सबसे पहले एंटीबायोटिक की, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, ये आपकी एक पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट है तो थोड़ा व्हाइट कलर से बना लेते हैं जिससे कि रेफरेंस सही आए। यह आपकी पेट्री प्लेट है यानी कल्चर प्लेट है जिसपे हम लोग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। यह आपकी कल्चर प्लेट है ना, इस पे बैक्टीरिया हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो यहां पर आपका बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे कौन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। यहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे कौन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। तो इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी, इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ पे काम कर रहे थे। यहां पे इन्होंने देखा कि कोई मोल्ड जमा हो गया। मोल्ड मतलब फंगस जमा हो गया। यहां पे फंगस जमा हो गया, प्लेट गंदी थी कई दिन से। तो इन्होंने देखा जो भाई जो फंगस जमा हुआ है उसके आसपास तक भी कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, उसके दूर दूर ग्रोथ हो रही है। यानी हर जगह आपके बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया पड़े हुए थे, हर जगह बैक्टीरिया पड़े हुए थे। लेकिन जहां पर आपका ये मोल्ड था, जहां पर आपका ये फंगस था, यहां पर आपके बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो यहां पर बैक्टीरिया क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मोल्ड जो था, ये फंगस जो था, ये कोई ऐसा कंपाउंड बना रहा था जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और हम लोग क्या कह रहे थे इसको, इस एक्सपेरिमेंट को, व्हाट आम जनता इज सेइंग सेरेंडिपिटी। व्हाट इज सेरेंडिपिटी? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है साइंस में एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी तुक्के से डिस्कवरी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि एक तुक्का है। अगर कोई साइंटिस्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है और उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है इस बात पर कि फंगस के ऊपर बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता, अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट सेरेंडिपिटी, इट इज प्योर जीनियसनेस। यह दिमाग का एक खेल है। आपके सामने जो है, अगर आप उससे कोई कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो और उसे दुनिया तक पहुंचा सकते हो, मेरे हिसाब से वो सेरेंडिपिटी नहीं है। हाँ, आप करना कुछ और चाह रहे थे, आपने कर कुछ और दिया, लेकिन आप तभी कर पाए जब आपने दिमाग लगाया। आप इतना सोचते ही नहीं किसी बारे में, आप बर्तन धोकर के आगे बढ़ जाते एक्सपेरिमेंट में, तो ये सेरेंडिपिटी कभी नहीं हो पाती। यानी इन एक्चुअल इट इज प्योर, इट इज शेयर यूज ऑफ ब्रेन, नथिंग एल्स। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि साइंस में कोई सेरेंडिपिटी जैसी चीज होती है। मैं हमेशा ही मानता हूं इट इज ऑब्जर्वेशन, जो कि कोई साइंटिस्ट करता है, और वो तभी ऑब्जर्वेंट हो सकता है जब उसको बहुत नॉलेज है और उसका दिमाग सही जगह पर एकदम एकाग्र है। तो इसीलिए यहां पर मैं इसे सेरेंडिपिटी नहीं बोलूंगा, दुनिया बोलती है ना। चलिए, तो मोल्ड जो है फंगस, इसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम। और ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया कौन सा था भैया, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम नोटैटम फंगस है। तो पेनिसिलियम नोटैटम के नाम पे क्या रख दिया, पेनिसिलिन, इस दवाई का नाम रख दिया, पेनिसिलिन इस दवाई का नाम रख दिया। और काफी टाइम तक ये जो दवाई है यूज करी गई, है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि किससे डेराइव करी गई, फंगस से डेराइव करी गई बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसको बहुत इस्तेमाल किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जो आपके वुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स थे, जो जख्मी थे, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था आपका पेनिसिलिन को। और आपका फ्लेमिंग साहब के साथ साथ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ, आपका अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट थे, चेन और फ्लोरी, इन दोनों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया किस चीज को एनालाइज करने में, टू एनालाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन। यानी मेरे दोस्त, आपके फ्लेमिंग साहब जो थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने बताया कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा, जिसको हम लोग पेनिसिलिन बोल रहे हैं। बट इस पेनिसिलिन को अच्छे से आइसोलेट करना और इसकी प्योर पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को सामने लेकर के आना, इसको प्योरीफाई करना, दैट इज बीन डन बाय चेन एंड फ्लोरी। तो इन तीनों को, तीनों भाइयों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। 1945 में इन तीनों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर डिस्कवरी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को भी, अर्नेस्ट चेन साहब को भी, हावर्ड फ्लोरी साहब को भी। और इन एंटीबायोटिक्स की वजह से दुनिया में काफी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार देती है हर साल। जैसे प्लेग है, आपका वूपिंग कफ है जिसे काली खांसी भी कहा जाता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा खतरनाक थी, है ना। डिप्थेरिया है जिसको गलघोटू कहा जाता है ना, और आपका लेप्रोजी थी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। इन सारी बीमारियों से भी हमको इजाद मिल चुका है। जैसे अब भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था जिस टाइम पे मैं छोटा था, उस टाइम पर यह कैंपेन बहुत प्रचंड था। इनफैक्ट जब हम 5 साल के थे तो हमें वो कैंपेन याद भी था। दो बूंद जिंदगी की उस कैंपेन का नाम था, जो अमिताभ बच्चन साहब लीड कर रहे थे। और इतना तेजी से वो कैंपेन चला कि भारत के हर बच्चे को पता लग गया था कि दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की, ये बूंदे पीनी होती हैं, ये बूंदी देनी होती है बच्चे को। एवरीवन वाज सो फैसिनेटेड अबाउट दिस फैक्ट कि हाँ यार बच्चन साहब ने बोल दिया है। एंड दैट्स व्हाई उन्हें सदी का महानायक बोला जाता है। महानायक मतलब ऐसा बंदा जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बहुत सही चुनाव था ब्रांड एम्बेसडर का, एंड वो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो आज हम लोग, भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। अब और नए बच्चों को पोलियो नहीं होता, है ना। पोलियो मुक्त हो गया मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में पोलियो के पेशेंट नहीं है, पोलियो के नए पेशेंट्स नहीं है। अब जिनको था वो तो रहेगा ही, है ना। नए पेशेंट्स अब पोलियो के एकदम आना बंद हो चुके हैं। सो वी हैव इरेडिकेटेड पोलियो। सिमिलरली काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनमें स्मॉल पॉक्स बहुत फैला, जिसे चेचक बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स हैज किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज देयर वर नो मेडिसिंस। सो द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स वाज अ ब्रेक थ्रू। ये एक ऐसी चीज थी जिसने दुनिया का नक्शा एकदम बदल के रख दिया, क्योंकि अब हम बीमारियों से लड़ पा रहे थे। पहले लोग कहते थे बीमारी मतलब मौत, सिंपल सी बात है। आप यहां पर एकदम कोई आर्ग्यूमेंट रख ही नहीं सकते थे। अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी पड़ गई तो आपकी मौत निश्चित है। अब कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। हमेशा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, मेडिसिन साइंटिस्ट जो हैं, वो इसी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों को करेक्ट किया जा सके। कैंसर मेडिसिन के ऊपर, कैंसर थेरेपी के ऊपर, है ना, अलग अलग कीमोथेरेपी है, रेडियो थेरेपी है ना, इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी है, सब पे बहुत ही बेशुमार काम किया जा रहा है ना। एड्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन कितनी जल्दी बन करके हमारे सामने आ गई थी जब दुनिया संकट में थी। तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि साइंटिस्ट वर सो कंसर्न्ड अबाउट सेविंग द वर्ल्ड, राइट। सो इसी प्रकार की एक जो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी, है ना, आपकी 20th सेंचुरी मतलब सन 1900 में, वो 1900 से 2000 के बीच में वो जो डिस्कवरी थी वो आपकी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी थी, है ना, करेक्ट। चले यहां पर दोस्त और क्या है, अब देखिए काफी सारे और मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे नाम से ही तोड़ेंगे भाई, यहां से देखो एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में क्या है एसिटो एसिटी, नाम में क्या है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बात ही खत्म। एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में एसिटी एसिटी आ रहा है दो बार, एसिटिक एसिड बनाता होगा। और नाम है एसिटोबैक्टर। बैक्टर का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के इनिशियल 4 अल्फाबेट ले रखे ना बैक्टर ने, तो बैक्टीरिया है, याद भी नहीं करना पड़ा। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है और एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, बोटाइलिकम है ना, ब्यूटाइलिकम तो क्या बनाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बनाएगा। ब्यूटी बूटी हो गया है यहाँ पर, बाबा जी की बूटी बूटी देख ली, यहाँ पर दोनों में ब्यूटारिक ब्यूटारिक आ रहा है। ब्यूटाइलिकम इस शब्द से ही आपका ब्यूटायरिक एसिड बना है। क्लोस्ट्रीडियम आपका बैक्टीरिया है। कैसे पता सर, ये तो याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में 4 बीमारियां बताई थी बैक्टीरिया से होने वाली। CTCT क्या थी, CTCT बताइए एक बार। 4 बीमारियां जो NCERT में दी गई हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, वो 4 बीमारियां कौन सी थी। CTCT, 2 बार CT बजवाई थी आपसे, क्या था फटाफट बताइए। कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटेनस। टिटेनस कौन कॉज कर रहा था, वहां पे बताया था क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हुआ ना, बैक्टीरियल डिजीज कॉज कर रहा है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सी बात है ना यार। कहीं तो चीजों को लिंक करोगे, दिमाग बहुत छोटा है, डेटा बहुत ज्यादा है, चीजों को लिंक करके समझो। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इतनी चीजें याद नहीं रहती, तो मैं चीजों को कनेक्ट कर लेता हूं, डॉट्स को कनेक्ट कर लेता हूं, जिससे मैं कभी ना भूलूं, राइट। तो CTCT में आपको पता है ना क्या आ रहा था, टिटनेस आ रहा था। कौन कॉज कर रहा था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो बैक्टीरियल डिजीज अगर क्लोस्ट्रीडियम कॉज कर रहा है तो बैक्टीरिया है, और ब्यूटाइलिकम है तो ब्यूटाइलिक एसिड बना रहा है। लैक्टोबैसिलस, नाम में क्या है बैसिलस, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, नाम ही है लैक्टो, तो क्या बनाएगा लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टो से लैक्टिक, बात खत्म। कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, अभी तक तो मैंने कुछ कराया नहीं। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस क्या है आपका पेनिसिलिन के साथ साथ ही, पेनिसिलियम के साथ साथ ही फंगस है ना। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, एस्परजिलस सिट्रेट बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। और चीजें देखो, लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या करते होंगे यार, नाम से क्या समझ पा रहे हो, लाइपेजेस यानी लिपिड को तोड़ रहे होंगे। लिपिड क्या होता है, ऑयल दैट इज ऑल्सो लिपिड, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ लिपिड। अगर मैं कहीं खेल रहा हूं, धंगा मस्ती कर रहा हूं और मेरे शरीर पर चिंटू की शर्ट की तरह एक दाग लग गया, तो मैं भी मम्मी से आके यही कहूंगा कि मम्मी जी दाग अच्छे हैं, फटाफट से लाइपेज वाला डिटर्जेंट लेकर के रगड़ दिया जाए इस दाग को। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑयल स्टेन को लेकर आए हो तो आपको उसे डिग्रेड तो करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो जाकर के वो ऑयल का दाग हटेगा। दैट्स व्हाई डिटर्जेंट्स कंटेन्स दिस लाइपेज, क्योंकि लाइपेज लिपिड्स पे यानी ऑयल्स पे भी तो काम करेगा, इसीलिए हमारी शर्ट्स पैंट्स जो भी गंदा कपड़ा है वो ठीक हो जाता है। यानी ये भी याद नहीं करना पड़ा, लाइपेज से हमें पता है लिपिड को तोड़ेगा, ऑयल क्या है एक लिपिड ही है, तो ऑयल स्टेन्स को रिमूव करता है। सिंपल, दिमाग खाली रखो मस्त एकदम। पेक्टिनेज प्रोटीएज, प्रोटीएज और पेक्टिनेज क्या करता होगा दोस्त, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता होगा और पेक्टिनेज क्या होता है आपका हम लोगों ने क्या बताया था, प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, पेक्टिन, पेक्टिनेज पेक्टिन को तोड़ेगा। पेक्टिन को तोड़ेगा मतलब आपका प्लांट से रिलेटेड जो हार्डनेस है उसको कम करेगा। अब आप प्लांट का जूस निकालते हो, किसी पर्टिकुलर मैंगो का आपने जूस निकाला तो पल्पी है, गाढ़ा है। एक तो आप घर पे जूस बना के पियो, एक आप मार्केट से माजा ला करके पियो, फर्क है। माजा जो है ज्यादा क्लियर है, उसका बूंद बूंद है एक समान, क्यों, क्योंकि इसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो प्रोटीन्स और मैक्रो प्रोटीएज मॉलिक्यूल्स टूट चुके हैं, तो एकदम पतला और यूनिफॉर्म हो चुका है जूस। लेकिन आपके पास तो पेक्टिनेज प्रोटीएज नहीं है, आप तो भाई सीधा आम को छीला, उसका गूदा निकाला, डाला डब्बे में, कट 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 करके कूट दिया, जितना कूटा उतना बढ़िया, वरना आम के जूस को चबा चबा कर खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बीच में पल्प आता है मोटा मोटा, तो क्योंकि हमारे पास प्रोटीनेज पेक्टिनेज नहीं है तो हमने नहीं डाला, तो हमारा जो जूस है वो यूनिफॉर्म नहीं बना। जबकि यहां पे जो मार्केट में जूस जो है ये क्लियर आता है, एकदम एक जैसा ही आता है, एक समान, बूंद बूंद एक समान, तो क्यों आई, पेक्टिनेज प्रोटीएज की वजह से। यानी अगर आप नाम में घुसो तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं दोस्त, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनेगा, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो सेम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनेगा, स्ट्रेप्टोकोकस से बनेगा, और नाम है अगर कोकस तो क्या है, गोलमटोल बैक्टीरिया है, तो याद ही नहीं करना कि ये बैक्टीरिया है। कोकस मतलब गोल गोल बैक्टीरिया, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है या जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये क्या है, क्लॉट बस्टर है, इससे सवाल पूछा जाता है, क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर कैसे, आपकी जो नसें हैं, आपकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनमें क्या होता है कई बार आपके क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स में आपके क्लॉट बन जाते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, थोड़ा फाइबर जमा हो गया, कई बार ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कैल्शियम जमा हो गया, ये क्या करते हैं आपकी नसों के ल्यूमन को छोटा कर देते हैं। अब एक आराम से बात समझो, एक एनिमेशन बनाओ दिमाग में। आपके घर में आया है पानी, पानी आता है सबके घर में, जब पानी आता है मम्मी फटाफट कहती है मोटर चला छोटू, मोटर चला, है ना। मोटर चलाने जाते हो आप, पानी आ रहा है, मोटर चल रही है, मोटर पानी में, पानी को ऊपर उछाल करके टंकी में चढ़ा रही है। अब आपने क्या कर लिया, कई बार है ना छेड़खानी करने के चक्कर में मैं क्या करता था, पाइप दबा देता था, मैं आगे से पाइप दबा देता था, क्योंकि नल की दूर तक पानी फेंक रही है। फिर तो कई बार गार्डन में पानी देते थे तो मैं नल की दबा लेता था, और कई बार मैं ये देखता था कि यार पूरी नलकी को अगर मैं दबा लूं तो क्या होता है। तो पूरी नलकी को जब आप दबाओगे तो आपने तो भाई एक तरीके से वॉल्व क्लोज कर लिया है ना, और मोटर भाई लगा रही है जोर, आपने नलकी बंद कर ली। क्या होता था, जहां पे वो नलकी का कनेक्शन था वो निकल जाता था, निकल जाता था। आप भाई हाथ दबा के बैठ गए हो, है ना, तो नलकी कहीं से तो प्रेशर डालेगी, तो निकल जाती थी नलकी, है ना, ऐसे झटके से निकल जाती थी मोटर को छोड़ करके। लेकिन समझ लो आपका हाथ जो है ये भी परमानेंट फिक्स हो गया, और नलकी पे भी आपने तार वार बांध करके उसको सेट कर रखा, ये भी नहीं निकल सकती। तो एंड में क्या हो जाएगी, मोटर फेल। मोटर एक्स्ट्रा प्रेशर मारेगी, पानी कूद नहीं रहा, बहुत जोर जोर से प्रेशर मारेगी कि पानी कूदे, पानी कूद नहीं रहा, और जोर जोर से प्रेशर मारेगी, एंड में फूक जाएगी, धुआं निकलेगा काले कलर का, 1500 रुपए की चपटी लगेगी और खेल खत्म। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। ये जो पाइप है ये है आपकी ब्लड वेसल्स, जो ब्लॉकेज है वो है आपके कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स व्हिच गॉट अक्यूमुलेटेड इन दैट ब्लड वेसल। तो आगे से तो बंद हो गई। अब हार्ट में ऐसा थोड़ी है कि आपने कनेक्ट कर रखी है नस, वो तो आराम से कनेक्टेड है पूरी, वहां से निकल नहीं सकती। हार्ट पूरा जोर लगाएगा, ब्लड पंप हो पंप हो पंप हो पंप हो, आगे ब्लॉकेज हो रखी है, एक टाइम के बाद हार्ट फेल हो जाएगा। दैट्स इट। दिस इज अ सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ हार्ट अटैक। हाउ हार्ट अटैक बेसिकली अकर, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट प्रोसेस, है ना, ये बात है। तो सिमिलरली जब क्लॉट बनेगा, यानी एक साइड से पाइप ब्लॉक हो गया, दूसरे साइड से हार्ट में कनेक्टेड है ब्लड वेसल, तो क्या होगा आपका यहां पर हार्ट अटैक आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इस हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना है? उस ब्लॉकेज को तोड़ना है। तो ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए कौन सी चीज दी जाती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज अ क्लॉट बस्टर। जो चीजें क्लॉट बना रही हैं इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करती है। अगर डिसॉल्व कर लेगी तो रास्ता हो जाएगा साफ, हार्ट जो पंपिंग कर रहा है वो ब्लड आगे जा पाएगा। मानते हो? करेक्ट है। ये आपकी इतनी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं। अगला है फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना। स्पोर यूजुअली कौन बनाते हैं? आपके फंगस बनाते हैं। तो स्पोर वर्ड यहां पे आ गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आपने पढ़ा भी होगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कि फंगस रिप्रोड्यूस वाया असेक्सुअल स्पोर्स, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। आपने देखा भी होगा किंगडम फंजाई में कि यहां पर स्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, जूस्पोर है, एप्लेनोस्पोर है, राइट। There are a lot of spores, कोनिडियोस्पोर है। तो फंगस जो है ये स्पोर बनाता है, तो पॉलीस्पोरम से आप याद कर सकते हो कि हाँ यार स्पोर बन रहा है। फंगस जो है ये क्या बनाता है? साइक्लोस्पोरिन। अब स्पोर स्पोर आ रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, स्पोर 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 स्पोर, दोनों वर्ड आए, एकदम खेल खत्म। साइक्लोस्पोरिन ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। नाम से क्या पता लग रहा है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या होगा समझ लीजिए भाई, कोई आदमी है, उसकी किडनी फेल हो गई, तो उसको नई किडनी चाहिए। एक डोनर मिल गया उसको, लेकिन उस डोनर से आपका ब्लड टाइपिंग जो है मैच नहीं हो रही, लेकिन किडनी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम किडनी तो जरूरी है सनम, है ना, तो किडनी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसने किडनी ले ली, लेकिन अब उसको और बीमारियां लग जाएंगी। कैसे? किडनी ले ली, अब किडनी रिजेक्ट कर दी जाएगी। भाई हमारी बॉडी में तो एक माइक्रोब तक घुस जाए तो पूरी बॉडी आंदोलन कर देती है। WBC देखें? हाँ भाई, क्या लेने आए हो बॉडी के अंदर? झटपट काट देता है घुस के। मैक्रोफेज है आपके, और भी अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, एकदम मारा काट मच जाती है भाई अंदर बॉडी के। और आप अलग ऑर्गन ला करके घुसेड़ दे रहे हो और आपको लगता है कि हाँ आपकी बॉडी कुछ नहीं करेगी। इम्यून रिएक्शन जनरेट हो जाएंगे, पूरी बॉडी आंदोलन पे बैठ जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा, सर फटने लग जाएगा, है ना, कि इस ऑर्गन को रिजेक्ट करो, भगाओ, हमला कर देंगे सेल उस पर। तो हम क्या करेंगे? अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, अपने सेल्स को बोलेंगे भाई अपने काम की चीज है, रुक जाओ, बैठ जाओ। तो आंदोलन बंद करके ये बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बैठ गए हैं। लेकिन उसको एक हिदायत जरूर देते हैं, उसको एक सजेशन जरूर देते हैं, मेरे भाई अब तुझे कुछ भी होगा, क्योंकि देख हम तो सब पे हमला करते हैं, हमारा तो काम ही यही है। तलवार बैठी है बगल में जिसका नाम है एंटीबॉडी, हम तो घुसेड़ देंगे जो आगे आएगा, जो अपना नहीं वो पराया ही है, हम तो सीधा घुसेड़ देंगे, हमें कुछ नहीं पता। अगर तू कह रहा है भाई इसको मत मार, नई किडनी को, तो हम किसी को नहीं मारेंगे। फिर तुझे कोल्ड हो, तुझे कोई इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, फिर हम आएंगे नहीं, फिर हम बैठ जाएंगे। दैट इज द डीमेरिट ऑफ इम्यूनो सप्रेशन, क्योंकि सारे इम्यून सेल्स फिर सप्रेस हो जाएंगे। तो जब आपको सच में कोई और बीमारी भी होगी, उस किडनी के अलावा कोई और चीज होगी, तब भी नहीं आएंगे वो सीधा बोलेंगे हाँ ठीक है, तो भाई तुम तो बहुत समझदार बन रहे थे ना, तो कर लो फिर। तो ऐसे ये जो है एक खराब चीज भी है, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत सारे हैं। ऐसे पैथोजन्स ना काफी सारे होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। आपने देखा होगा, काफी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कई बार एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी जब मर जाता है ना, तो उसकी संपत्ति के लिए मारकाट मच जाती है। उस टाइम पे लोगों का असली रंग सामने आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन ईमानदार था, कौन बेईमान था, सब पता लग जाता है। इसी प्रकार से कुछ पैथोजन होते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती। ये आपको जुकाम भी नहीं दे सकते, इतने कम, क्योंकि इन्हें पता है ये अंदर आएंगे, WBC थप्पड़ मार के भगा देता है बाहर। तो इनका कुछ बस नहीं चलता हमारी बॉडी पे, एकदम जीरो डोमिनेंस है इनकी हमारी बॉडी पे। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसको लेट्स से एड्स है, अब एड्स है तो उसके टी हेल्पर सेल्स पे अफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है, यानी उसकी इम्यूनिटी हो गई है वीक। अगर उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो बेसिकली क्या होगा, छोटे छोटे फुद्दू फुद्दू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका कुछ नहीं था बस का, वो भी आपको बीमार कर देते हैं। ऐसे पैथोजेंस को हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है, ये सही अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। जिस दिन आप कमजोर हुए आपके ऊपर चढ़ के नाच देंगे, बैक्टीरियम्स। दुनिया ऐसे ही काम करती है भाई, है ना, दुनिया इतनी ही तुच्ची है जितना मैं बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं, वो अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि इम्यून सेल्स तो सप्रेस हो गए। अब भाई गली के कुत्ते भी शेर बन गए कि हाँ भाई अब इसका इम्यून सिस्टम तो काम कर नहीं रहा, अलग अलग नई नई बीमारियां आती रहेंगी आपके पास डेली डेली, इसीलिए इनको उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं किया जाता। अगर किसी की जान पे ही बनाई है कि भाई इसको किडनी नहीं दी तो ये मर ही जाएगा, तब बोलते हैं हाँ भाई जुकाम खांसी झेल ले यार, किडनी की वजह से एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा। फिर उनको थोड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे उनके पास कोई पैथोजन ना आए। मोनास्कस परप्यूरियस जो कि क्या है, एक ईस्ट है ना, यानी फंगस ही ऑब्वियसली। मोनास्कस परप्यूरियस क्या बनाती है, स्टैटिन बनाती है, ठीक है। यह आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, यानी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया तो सेम बात है भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए क्या आते हैं आपके यहां पर, स्टैटिन्स आते हैं, है ना। और ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं आपके एंजाइम को जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपकी बॉडी बनाती है कोलेस्ट्रॉल। सो ये जो स्टैटिन है ये क्या करेंगे, नाम क्या है स्टैटिन, स्टैटिक, रोकना, ये क्या करेंगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक देंगे और बोलेंगे अब और कोलेस्ट्रॉल मत बनाओ, और कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे। तो यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन को आपका बायोमोलिक्यूल से लिंक किया जा सकता है। बायोमोलिक्यूल्स में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दे रखी है, टक्सिनेट मेलोनेट वाली इनहिबिशन बता रखी है, उसके साथ लिंक करके एक स्टेटमेंट दे देंगे कि आपका स्टैटिन किस हिसाब की आपकी रेगुलेशन दिखाता है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब आपके एंजाइम की और आपके मतलब आपके सबस्ट्रेट की और आपके इनहिबिटर की सेम शेप है जो एंजाइम पर बाइंड करते हैं। तो इसको आपको लिंक करके पढ़ना होगा। बायोमोलिक्यूल और ये चैप्टर साथ में मिलकर आप पे हमला कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है कि अगर आपका स्टैटिन यानी मोनास्कस परप्यूरियस द्वारा बनाया गया स्टैटिन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो कैसे, ये उस एंजाइम से जाकर बाइंड कर जाता है स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। तो एक चीज है जो कोलेस्ट्रॉल बना रही थी उसको बाइंड नहीं होने दिया, खुद जाकर के बाइंड कर गया, तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद। राइट, डन है दोस्त। ये है आपके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। यहां तक के क्वेश्चंस किए जाएं एक बार दोस्त, देखते हैं क्या क्या पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज अप, देखते हैं यहां तक कुछ कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। एक बार लेट्स ट्राई कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये कर सकते हैं, करिए फटाफट। Identify the microorganism which is responsible for the production of immunosuppressive molecule cyclosporin A. Cyclosporin A कौन बना रहा था? Cyclosporin, spore word आ रहा था, मैंने आपको याद कराया था। अगर आप देखें यहां पर cyclosporin, cyclosporin क्या आ रहा था यहां पर? Trichoderma polysporum। Saccharomyces cerevisiae क्या कर रहा था दोस्त? Saccharomyces cerevisiae, ओके, Streptococcus cerevisiae लिखा हो, ये तो कुछ है ही नहीं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एंड में ब्यूटाई आ रहा है, यानी क्या बना रहा था? ब्यूटाइरिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर क्या बना रहा था आपका? बेसिकली सिट्रिक एसिड बना रहा था। तो बचा क्या आपका? सिर्फ बी, यही सही बैठा है और उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू का बन भी गया अभी तक पढ़े हुए मैटर से ही। यह भी बन जाएगा। मैच द कॉलम 1 एंड 2। एस्परजिलस नाइगर, देखो नाम से तोड़ने की कोशिश करो ना यार। एसिटोबैक्टर एसिटी, मैंने क्या बताया था? एसिटो एसिड आ रहा है, एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। तो आपका बी का क्या आ गया? पी। बी का आ गया पी, बी का पी एक ही जगह है, उत्तर ही आ गया। खत्म करो बात यार, घर चलते हैं भाई। पहला ही मिल गया आपका बी का पी। और देख लो क्या होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाई बताया था, ब्यूटाई से क्या आ जाएगा? ब्यूटाइरिक एसिड। कहां है? ब्यूटाइरिक एसिड आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्त? लैक्टोबैसिलस, नाम में ही लैक्टो है, तो क्या बनाएगा आपका? ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। बचा हुआ आपका एस्परजिलस नाइगर, लास्ट क्वेश्चन में आया था, सिट्रिक एसिड बनाएगा। बात ही खत्म, 4 आ गया आपका उत्तर, कुछ करना ही नहीं पड़ा। फोकट में आंसर मिल गया, 4 नंबर मिल गए। ये तो नहीं कर पाओगे, एसटीपी का है, ये कर पाओगे। ये करो एक बार फटाफट। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाएगा? सबसे पहले इसका बना दो। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाएगा? ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। क्या हो गया? ए का क्यू हो गया। ए का क्यू आपका एक ही जगह है, मिल गया उत्तर। मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार से आपके बहुत सही हो जाते हैं बिना किसी मेहनत के, कुछ करना ही नहीं होता भाई। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है, ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। और देख लो यार, है ना, आपका एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नाम में स्पोर आ रहा था, स्पोर ये क्या बनाता है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, स्पोर आता है नाम में, है ना। और आपका मोनास्कस परप्यूरियस क्या है, ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बना रही थी, जिसको क्या कह रहे थे प्यार से हम लोग, स्टेटिन कह रहे थे। तो मोनास्कस परप्यूरियस क्या बनाती है, स्टेटिन बनाती है। बात खत्म, कुछ करना ही नहीं पड़ा, पहली एक सेकंड में मिल गया था, ये तो हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, विच इज कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बना रहा था, एस्परजिलस नाइगर। भाई क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड। सैक्रोमाइसिस क्या बनाएगा, गंगाधारी शक्तिमान है, ब्रेड और दारू। लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टो क्या बनाएगा आपका, लैक्टिक एसिड, दही जमाने के काम आएगा। यानी नाम से ही तोड़ पा रहे हो, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। बात खत्म, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार, आप लोग देख पा रहे हो, सो सिंपल क्वेश्चंस। इट इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, हर तरीके से आपको एक वरदान की तरह चैप्टर मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि एनटीए ने इसको रिटेन किया है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तब भी मैं कह सकता हूँ काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें काफी सारे टेबल्स थे, है ना। टेबल आपका 9.1 जो है, टेबल 9.2 जो है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। कि भिंडी में कौन सी बीमारी लगेगी, कौन सी पर्टिकुलर वैरायटी है, सवानी है, पूसा है, फलाना है, बहुत सारी चीजें थी उसमें। यहाँ एकदम सिंपल चीज है ना। बहुत प्यार से हमने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं धड़ाधड़। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी। साइक्लोस्पोरिन ए वाला सवाल देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ना, अभी तक 4 बार देख चुके हो आप इस चीज को। साइक्लोस्पोरिन ए नाम में स्पोर आ रहा है, क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा भैया, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम बिल्कुल बनेगी। बात ही खत्म, इतनी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, साइक्लोस्पोरिन ए, है ना। इतनी बार आपका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसकी हद नहीं है। मैच द फॉलोइंग, फटाफट देखो भाई। एसिटोबैक्टर एसिटी नाम से ढूंढ लो। अरे भैया ये क्या हो गया, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम में क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो डी का टी हो गया, डी का टी हो गया, डी का टी इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए ऑप्शन, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। और क्या है मेरे भाई, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी क्या बनाता है, ब्रेड और बियर बनाता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी क्या बनाएगा आपका, ब्रेड बनाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, बी का एस हो जाएगा, बी का एस हो जाएगा। तो आपका इसमें भी बी का एस है और इसमें नहीं है, तो उत्तर आपका 2 हो गया। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, 2 हो गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। भाई पहले ही हमने इससे 2 एलिमिनेट कर दिए थे, इसके आते ही बात ही खत्म हो गई, 2 आपका उत्तर हो गया। और क्या बनेगा, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बना लेगा, लैक्टोबैसिलस आपका कर्ड बना लेगा। चीज के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ना आपका प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी दिया है, ना आपका पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी दिया है, ना आपका पेनिसिलियम कॉम्बर्टी दिया है। तो ये वाला ऑप्शन जो है कहीं मैच नहीं कर रहा, बाकी चारों मैच कर रहे हैं। सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल, ये तो नहीं कर पाओगे अभी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन था, स्टेटिन। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने का काम किसका था, स्टेटिन का। लाइपेज किस काम आ रहा था, लिपिड्स को तोड़ रहा था, तो ऑयल के स्टेन्स रिमूव करने के काम आ रहा था। साइक्लोस्पोरिन ए नाम में स्पोर है, क्या बना रहा था आपका, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बना रहा था। साइक्लोस्पोरिन ए जो था इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था, है ना। और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या था, ये आपका किससे बन रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस से बन रहा था, है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को रोक रहा था, यानी क्लॉट बस्टर था। सारी चीजें हमें पता है, तो आपका उत्तर आ गया 2। ये नहीं कर पाओगे भाई। चलिए, मतलब देखिए एक क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं। यानी इतने सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है आपके अभी तक पढ़ाए हुए पार्ट की, इतनी इंपॉर्टेंस है। मात्र 1.5 घंटा हुआ है हमें इस क्लास को शुरू किए हुए, और हमने लगभग 75% ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डन कर दिया है। समझ पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज हुई है आज। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने डन कर दिया है विद सॉल्विंग ईच एंड एवरी पीवाईक्यू विदाउट एनी डिफिकल्टी, एंड दैट टू विद प्रिसाइजनेस। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट, आई कैन ट्रूली अश्योर यू दैट, है ना। मतलब मैक्सिमम हमारा काम हो चुका है। अब हमें एक चीज पढ़नी है जो कि हम इकोलॉजी में भी पढ़ते थे। जैसा मैंने बताया, सिलेबस रेशनलाइज हो चुका है। तो आप जब एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ते थे तो वाटर पोल्यूशन वाले टॉपिक में आपको बीओडी पढ़ाया जाता था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम अभी पढ़ने वाले हैं इन एसटीपी, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली पिक्ड अप एनसीईआरटी। और मैं एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। उस फ्लो चार्ट को देखते रहना बस। क्रिएटिव इंडियन सर आप मालवेसी पढ़ाएंगे, मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं मालवेसी पढ़ाऊंगा, पोएसी पढ़ाऊंगा, एस्टेरेसी पढ़ाऊंगा, तीनों फैमिलीज मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप एकदम बिंदास खड़े हो जाइए, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहिए, मैं गारंटी देता हूं आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। एंड टू एंड आप पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे कंप्लीट बायोलॉजी में, है ना। सिलेबस बढ़ा है, जो बढ़ा है हम पूरा कराएंगे, है ना, जो नहीं बढ़ा था वो तो पूरा कराएंगे ही। आप टेंशन मत लीजिए, बस फ्री होके पढ़िए, है ना। दिमाग पर टेंशन आपके नहीं होनी चाहिए, कंटेंट की टेंशन मेरी है। आपकी टेंशन है कि जो सर ने पढ़ा दिया वो पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं साथ साथ, और जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो करना है। दिस इज योर टेंशन। कंटेंट जितना पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा कि जिससे आपके 360 आउट ऑफ 360 आ जाए, वो हमारी टेंशन है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, और 2-3 दिन में ही वीडियो आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत साल वेट करना है। आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो इन कमिंग 2-3 डेज। मेरी जैसे कल भी काफी सारी क्लासेस हैं। वेडनेसडे को मैं थोड़ा सा फ्री हूं, तो वेडनेसडे को आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई विल पुट दैट फॉरवर्ड, जहां तीनों फैमिलीज मैं पढ़ा रहा हूंगा और ऐसे पढ़ा रहा हूंगा कि अगर क्वेश्चन बनता भी है तो उससे बाहर नहीं बनेगा फॉर श्योर। आप बेफिक्र हो जाइए, है ना। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक बात को समझेंगे और फिर मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा एक स्लाइड में और उससे सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से देखते हैं एनसीईआरटी में कहा क्या है, एक एक बात को समझते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज को ट्रीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, माइक्रोब्स ही हैं। ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ माइक्रोब्स के पास है। नो मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज एबल टू ट्रीट सीवेज टिल डेट। आज तक कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज को ट्रीट नहीं कर पाया है। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया जा रहा है टू ट्रीट द सीवेज, और इस टेक्निक को अभी तक हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाए हैं और लगता भी नहीं है कि कोई रिप्लेस कर पाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी एफिकेट स्ट्रेटेजी, यानी बहुत एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है। क्या होता है इसमें देखने की कोशिश करिए। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, आपके घर से काफी गंदगी निकलती है। हम कूड़ा तो डस्टबिन में फेंकते ही हैं, हमारे घर से म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो भी निकलता है ना। साथ ही साथ जो गटर की गंदगी है वो भी निकलती है और हाउस होल्ड जो वेस्ट है वो भी निकलता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं गटर की गंदगी की, यानी ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर निकलता है, ये जो गटर में पानी निकलता है हमारे टॉयलेट से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक साइंटिफिक टर्म देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सीवेज। और इस सीवेज में क्या होता है, इस सीवेज में हमारा एक्सक्रीटा होता है ना। यानी सुबह सुबह जब हम फ्रेश होते हैं या किसी भी और टाइमिंग पे भी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पेट की कंडीशन, तो वहां पे जो धमाका हम लोग करके आते हैं ये चला जाता है एक बड़ी पाइप में, जो कि पूरे मोहल्ले से इकट्ठा कर रहा होता है इसी सीवेज को, और आगे चल के काफी सारे मोहल्लों के ये पाइप्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली आगे चल के पाइप्स और बड़े होते जाते हैं। आपको नेटवर्क अच्छे से पता है कि एक मोहल्ले का एक सीवेज पाइप है, दूसरे मोहल्ले का दूसरा, और ये इकट्ठे होकर के एक ही जगह पर सारा का सारा वेस्ट वाटर जा रहा होता है। तो यहां पर क्योंकि हमारे घरों से ये गंदगी निकल रही है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है ही भाई। एक्सक्रीटा क्या है, इट इज मेनली ऑर्गेनिक, क्योंकि आपने जो खाया है ना, वही आपका जो अनडाइजेस्टेड बच गया है, हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। यानी हमने जो खाया हम वही बाहर निकाल रहे हैं, बस कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड रह गई, यानी उसको किसी और को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कौन, बैक्टीरियम्स या माइक्रोब्स। यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है तो ऑर्गेनिक मैटर ही है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक चीजें ही तो खाते हैं। ऑर्गेनिक इन द सेंस भाई हर चीज में बायोमोलिक्यूल्स ही तो हैं। आप एक सेब खा रहे हो तो उसमें क्या है, प्लांट मैटर है। आप पिज्जा खा रहे हो तो किससे बना है, उसका नीचे का जो पार्ट है वो किससे बना है, ब्रेड से बना है। ब्रेड किससे बनी है आपकी, मैदा से बनी है। मैदा किससे आया आपका, अनाज से ही तो आया। यानी प्लांट मैटर ही तो खा रहे हो या एनिमल मैटर ही तो खा रहे हो, तो है तो ऑर्गेनिक मैटर ही ना। तो ऑर्गेनिक मैटर आपका निकल रहा होता है और इसी ऑर्गेनिक मैटर में काफी सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स तो हैं ही इसमें, अच्छे खासे माइक्रोब्स तो हैं जो कि डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं। तो हमें इतने सारे गंदे पानी को रिवर स्ट्रीम में डायरेक्टली डाल देना चाहिए क्या, नहीं डालना चाहिए। हमें सबसे पहले इसे ट्रीट करना चाहिए इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे ये कम प्रदूषित बचे, लेस टॉक्सिक, लेस पॉल्यूटिंग बचे, और उस लेस पॉल्यूटिंग सीवेज को हम लोग नदियों में छोड़ सकते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, आपको इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैकेनिज्म समझना होता है कि यहां पर हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है, ये कौन करता है, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब जो कि सीवेज में भी पाए जाते हैं। तो आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो दोस्त समझ लीजिए हमने कुछ खाना खाया, ये हमने खाना खाया, बाबू ने खाना खा लिया। अब भैया इसमें से कुछ चीजें तो आपने डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में यूज कर ली है ना, और कुछ जो है आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट ये आपका कहां चला गया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है ये आपका कहां चला गया, ये आपका एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल गया, एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल गया। अब मेरे दोस्त बहुत आराम से मेरी बात सुनना, अगर ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल गया, इसको तोड़ेगा कौन? भाई मैंने आपको क्या बताया था लास्ट कई लेक्चर्स के अंदर, अलग अलग जगह ये बात हुई है। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो मतलब ये तो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, खुद का खाना नहीं बना सकते तो आपका सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे ना, ये गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे या किसी ऑर्गेनिज्म को पैरासिटाइज करेंगे। खुद का खाना नहीं बना सकते सो इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि कहीं और से खाना लेंगे, खुद तो बना नहीं सकते हैं, तो या तो कहीं पर इनको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए उसको डिग्रेड करेंगे यानी एज डिकम्पोजर्स काम करेंगे, या किसी ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाएंगे। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, इनको अनडाइजेस्टेड वेस्ट मिल गया है जो कि ऑर्गेनिक है नेचर में, या आपका ऑर्गेनिक है नेचर में यानी क्या है, हमारा बचा कुचा खाना ही तो है, हमारा बचा कुचा खाना ही तो है। तो इसको क्या ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स तोड़ने की या इससे खाना निकालने की कोशिश नहीं करेंगे डिग्रेड करके? बिल्कुल करेंगे। उससे हमें क्या फायदा है? उससे हमें यह फायदा है कि हमारा पानी जो है कम पॉल्यूटिंग हो गया। भाई ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं, तो हमें तो फायदा हो गया ना। भाई तुम खा लो खाना, हम तो मना नहीं कर रहे है ना, ये जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स आएंगे भाई तुम खा लो खाना, बदले में आप हमारी गंदगी को भी तो ब्रेक कर रहे हो। दोनों का काम हो गया, इनको खाना मिल गया और हमारा काम हो गया। अब ये खाना स्टेप्स में तोड़ा जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे बेसिक चीजें, आपको कोई गंदा पानी दे दिया, आपको कहा जाए ये पानी साफ कर दो साहब, क्या करोगे? भाई यहां पर समझ लीजिए बोतल ट्रांसपेरेंट है, जस्ट फॉर रेफरेंस समझ लीजिए बोतल ट्रांसपेरेंट है, आपको इसमें बड़ी बड़ी गंदगी दे दी, एक पानी का बहुत बड़ा सा आपका स्विमिंग पूल है लेट्स से, है ना, ये पानी तो मैं पी लेता हूं, एक पानी का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें एक बच्चा पहली मंजिल से उछल के कूदा है ना, एक बच्चा पहली मंजिल से उछल के कूदा, डाइवर बन रहा था और रास्ते में ही उसकी पैंट निकल गई है ना, ढीली कॉस्ट्यूम पहन के आया था बेचारा, तो बच्चा तो नीचे रह गया, सामान ऊपर रह गया और धीरे धीरे लहलाते हुए उसकी कॉस्ट्यूम गिर गई आपकी कहां, स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल के पास ना एक भाई साहब डंडा लेकर के खड़े रहते हैं जिसके आगे जाली लगी रहती है, नेट। तो क्या करते हैं वो, किसी बच्चे का फुटबॉल गिर गया है ना, जो खेल रहे थे कहीं दूर चला गया कोने में, वो डंडा डालते हैं निकाल लेते हैं है ना। गलती से कोई फूल वूल गिर गया है, आसपास क्या रहते हैं थोड़े पेड़ वेड़ भी रहते हैं सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल है उसके आसपास थोड़े फूल के पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो कई बार फूल गिर जाता है तो उसको निकाल देते हैं है ना। तो इसी हिसाब से वो कॉस्ट्यूम गिरी, भाई ने नेट डाला निकाला, यानी मोटा मोटा सामान जो ऊपर तैरता है उसको क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। भाई ऊपर ऊपर जो सामान तैरता है उसको क्या करोगे, नेट लाओगे, फिल्टर कर लोगे, ऊपर का सामान साफ, मोटा मोटा कचरा साफ। गंदगी जो है छोटी छोटी आपके डर्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ग्रिट यानी कीचड़, पेबल्स, कोई छोटा मोटा पत्थर वत्थर है, सारे नीचे जमा हो जाएंगे, ये सारे नीचे जमा हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, आधे घंटे के लिए उस कांच के ग्लास को एक स्टिल पोजीशन पर रख दीजिए अपने टेबल के ऊपर, सारी मिट्टी नीचे आ जाएगी, क्लियर पानी ऊपर आ जाएगा। सबने किया होगा बचपन में, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगी, यानी ऊपर का कचरा ऊपर से साफ, फिल्ट्रेशन, नीचे का माल नीचे जमा, सेडिमेंटेशन। बीच में बच गया आपका वो पानी जिसमें एक्सक्रीटा है, जिसमें आप रियल गंदगी है, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स को काम करना है, डाइजेशन का काम करना है। बचा हुआ तो आप वैसे भी सामान निकाल सकते हो ना, मेन क्या है, डाइजेशन है। 10 सेकंड दे दो यार, पानी पी लेता हूं, आज सुबह पानी नहीं पिया मैंने। डन है भाई, चलिए। तो अभी क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल रिमूवल करेंगे इसमें, यानी चीजों को ऊपर और नीचे से फिजिकली रिमूव कर लो है ना, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। फिल्ट्रेशन से फिल्टर लगाया, ऊपर आ गया मोटा मोटा सामान, सेडिमेंटेशन से नीचे जमा हो गया छोटा छोटा सामान, और आपके सॉइल और पेबल्स जो हैं यानी ग्रिट जो है, कीचड़ जो है ये नीचे जमा हो गया और मोटा मोटा पार्टिकल फ्लोटिंग डेब्री जो है जो ऊपर तैरती रहेगी इसको ऊपर से निकाल लिया, है ना। तो ऑल सैलिड दैट सेटल्स फॉर्म प्राइमरी स्लज, नीचे जो कीचड़ जमा हो गया इसे प्राइमरी स्लज कहते हैं और ऊपर जो पानी रह गया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट, इसको कहते हैं इफ्लुएंट, ऊपर तैर रहा है तो इफ्लुएंट, है ना। अब इतनी जो बात हुई है इसको एक फ्लो चार्ट में समझो, सिर्फ इतनी जो बात हुई है सिर्फ इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़िया तरीके से चलेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या कहा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अभी तक हम लोगों ने क्या कहा, हमारे पास क्या है, एक टैंक है। अभी तक हम लोगों ने कहा मेरे पास क्या है, एक टैंक है। मेरे पास क्या है, एक टैंक है भाई। इस टैंक में मैंने क्या लगा रखा है, इस टैंक में मैंने लगा रखा है फिल्टर, इस टैंक में मैंने लगा रखा है फिल्टर, ठीक है। अगर फिल्टर लगा रखा है तो ऊपर का कुछ सामान जो है बड़ा बड़ा वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का कुछ जो सामान है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे का जो सामान है जो नीचे सेटल होना होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ही तो हो रही है। ऊपर का सामान फिल्टर हो गया और नीचे आपका सेडिमेंटेशन बचा, है ना, कीचड़ विचड़ नीचे जमा हो गया और छोटी मोटी जो पेबल्स वगैरह थे, और बीच में आपका क्या रह गया दोस्त, बीच में आपका रह गया पानी, बीच में आपका रहेगा क्या, पानी, जिसमें आपका और भी वेस्ट है, बीच में आपका ये पानी रह गया। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, it is called as what, it is called as primary treatment, and what does this primary treatment involves, this primary treatment involves filtration, this primary treatment involves filtration plus sedimentation, plus sedimentation। यहां पर आपने क्या लगा रखा है दोस्त, यहां पर आपने फिल्टर लगा रखा है, यहां पर आपने क्या लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है ना। यहां पर क्या है आपके फिल्टर्ड लार्ज साइज्ड डेब्रिस, जिसको डेब्री कहा जाता है ना, एस साइलेंट होता है पर डेब्रिस बोल लो यार, हम कोई इंग्लिश के टीचर थोड़ी हैं, बायोलॉजी के टीचर है ना। तो यहां पर देखो भाई फिल्टर्ड लार्ज साइज डेब्री आ गया यहां पर, यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पे सेडिमेंटेड ग्रिट, कीचड़ के मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर वगैरह अगर कुछ है तो, सॉइल वगैरह, ये सारा आपका नीचे बैठ गया। और बीच में आपका क्या रह गया भैया, बीच में रह गया आपका इफ्लुएंट, बीच में रह गया आपका इफ्लुएंट, है ना। अब इस इफ्लुएंट में है जो बचा है, ऊपर फिल्टर रिमूव कर दिया, नीचे से आपका जो कीचड़ वगैरह था वो रिमूव कर दिया। अब हमारा इफ्लुएंट जो है इसको हम लोग कहां भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो कोई हमने बैक्टीरिया यूज नहीं किया, ऊपर से फिल्टर नीचे से सेडिमेंटेशन, अभी तक कुछ बायोलॉजिकल यूज नहीं हुआ है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें आपके माइक्रोब्स, इसमें आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इफ्लुएंट को हम लोग किस लिए भेजते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखना क्या हुआ, बहुत प्यारी चीज है, मजा ही आ जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसमें जो प्राइमरी इफ्लुएंट था जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कर दी थी, बीच का जो पानी बचा जिसमें एक्सक्रीटा है, माइक्रोब्स हैं, वो हमने इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में भेज दिया। एरेशन टैंक से क्या समझ में आ रहा है, एरेशन मतलब एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, यानी इसको ऐसी जगह भेजा जहां पर ऑक्सीजन हो। यानी हमारा मेन पर्पस क्या हो सकता है, आगे का मत पढ़ो, एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करो। इफ यू आर सेंडिंग एनीथिंग टू एरेशन टैंक, व्हाट शुड बी योर पर्पस। फोटोसिंथेसिस भी हमने पढ़ा था, एरोबिक माइक्रोब्स को यूज किया था आपके कौन से साहब ने, फटाफट बताइए, आपका जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बेसिकली एरोबिक माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल किया था, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन, जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एरोबिक माइक्रोबैक्टीरिया आपके ग्रो करेंगे। सिमिलरली यहां पर एरेशन टैंक का मतलब क्या है, आप ऑक्सीजन दे दो। अब इस पानी को अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो अंदर जो भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा ग्रो करते हैं वो भाई ग्रो करने लग जाएंगे, वो ग्रो करने लग जाएंगे। और कोई भी चीज अगर ग्रो करती है, डिवाइड करती है, तो उसको खाना पीना चाहिए होता है। यहां पर देखो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जब हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे सबसे पहले हरे कलर की पट्टी खाने पीने का सामान दिया था, कल्चर मीडियम पे ग्रो किया था। जब तक खाने पीने के लिए ही कुछ नहीं है आपका सेल डिवाइड कैसे करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करें तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनको वैसा वातावरण दें। और ये अगर डिवाइड करेंगे तो खाना खाएंगे, एनर्जी चाहिए, और खाना क्या है, आसपास पड़ा हुआ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन ऑर्गेनिक मैटर, उसको खाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर खत्म, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाएंगे। क्या हो गया भाई, यहां पर सिंपल सी बात देखो, एक एक चीज लिंक करके पढ़ो। एरेशन टैंक में डाला तो आपने मैकेनिकली क्या कर दी, एयर पंप कर दी एक सिस्टम के अंदर, सेकेंडरी टैंक के अंदर, एरेशन टैंक के अंदर, और आपका एरोबिक माइक्रोब जो थे यानी जो बैक्टीरिया और फंगस थे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, इन्होंने फ्लॉक बना लिया। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फ्लॉक में एफ आता है, फंगस भी यहां पर है, तो इन्होंने नेटवर्क बना लिया है ना बैक्टीरिया का एंड एसोसिएटेड फंगल फिलामेंट्स का। यानी फंगस जो है ये भी डिवाइड करना स्टार्ट कर गए, बैक्टीरिया भी डिवाइड करना स्टार्ट कर गए, और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि फंगस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, हाइफे। अब ऐसे हाइफे हैं तो इन्होंने क्या कर लिया, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, बहुत ज्यादा हो गए ये फंगस। और जब ये डिवाइड कर रहे हैं, जब ये आपके डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो आपका फंगस हो गया, बीच बीच में क्या पड़ा हुआ है, छोटा छोटा आपका बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। दिस इज ओवरऑल कॉल्ड एज फ्लॉक, इसे फ्लॉक कहा जाता है। तो आपका जब बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर डिवीजन हुआ तो ये क्या करेंगे, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तभी तो डिवाइड करेंगे, और हम चाहते हैं सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाए, जितना बढ़िया है हमारे लिए। तो इसे कहते हैं बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की डिमांड है यहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब आप ऑक्सीजन अगर दे रहे हो तो बैक्टीरिया फंगस उस ऑक्सीजन को यूज कर करके डिवाइड कर रहे हैं, और बाद में जब ऑर्गेनिक मैटर ही खत्म हो जाएगा, जब खाना खत्म हो जाएगा, है ना भाई, फंगस भी तो डिकम्पोजर होता है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट दो डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया और फंगस। तो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने की बात हो रही है तो फंगस तो आएगा ही। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, जब आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ते हुए देखते हो, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, मतलब बैक्टीरिया कह रहा है मुझे और ऑक्सीजन दो, क्यों, मैं उस ऑक्सीजन को लेकर डिवाइड करना चाहता हूं, यानी मैं ऑर्गेनिक मैटर खाना चाहता हूं। लेकिन समझ लीजिए पानी हो चुका है साफ, तो क्या पानी में ऑर्गेनिक मैटर बचा है, नहीं। तो क्या अब बैक्टीरिया डिवाइड करना चाहेगा, नहीं। तो क्या बैक्टीरिया ऑक्सीजन मांगेगा, नहीं। तो अल्टीमेटली अगर बीओडी कम हो गया है इसका मतलब यह है कि गंदगी साफ हो चुकी है। सो बीओडी इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ द गंदगी ऑफ वाटर। कितना गंदा है पानी है बीओडी पर डिपेंड करता है। अगर बीओडी ज्यादा है, बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं, इसका मतलब उनके सामने खाना खूब पड़ा हुआ है, उनको एक चीज की कमी है, ऑक्सीजन की। तो इफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मोर, इसका मतलब खाना पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर है यानी गंदगी है, जिसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन मांग रहा है। तो इफ बीओडी इज मोर, वाटर इज मोर डर्टी, वाटर इज मोर पॉल्यूटेड, वाटर इज मोर गंदा। लेकिन अगर खाते 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 ऑर्गेनिक मैटर हो गया कम, तो अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन मांगना बंद कर देगा, बोला भाई हमें तो डिवाइड करना ही नहीं है। यानी आपका बीओडी कम मतलब पानी हो गया साफ। तो आप क्या कहोगे यहां पर, आप यहां पर बोलोगे बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बीओडी ज्यादा तो गंदगी ज्यादा, बीओडी अगर कम तो आपकी गंदगी कम, है ना। तो आपका साफ सफाई से बीओडी क्या है, उल्टा है। तो वाटर, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर लिख दो। बीओडी ज्यादा तो वाटर क्लीनलीनेस कम, बीओडी कम तो वाटर क्लीनलीनेस ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ, और देखो एरेशन टैंक में हमने डाला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ज्यादा कचरा है 1 लीटर पानी में तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहेगी उसे तोड़ने के लिए। अगर पानी साफ हो गया है, क्लीन हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो कम ऑक्सीजन चाहिए। तो जब पानी को ट्रीट किया जाता है तो बीओडी रिड्यूस हो जाती है ना। तो बीओडी एक मेजरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर का, है ना। अगर ज्यादा है बीओडी, ग्रेटर द बीओडी, मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बीओडी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, यानी पानी ज्यादा गंदा है। दिस इज कॉल्ड एज एरेशन टैंक के अंदर आपका बढ़िया तरीके से काम होना। ठीक है, इसको हमारे फ्लो चार्ट में ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये नीचे की हमारी मिट्टी कीचड़ था, ऊपर हमारा क्या था, ऊपर हमारा डेब्री था, बीच में क्या बच गया, एफ्लुएंट। इस एफ्लुएंट को हम लोगों ने कहां भेज दिया, इस एफ्लुएंट को हम लोगों ने भेज दिया कहां, आपका ऑक्सीजन टैंक के अंदर या एरेशन टैंक के अंदर कहां भेज दिया। एरेशन टैंक के अंदर भेज दिया। ठीक है, एरेशन टैंक में क्या होता है समझने की कोशिश करिए। ये आपका एरेशन टैंक है। एरेशन टैंक में क्या किया, यहां पर हमने ये इफ्लुएंट एज इट इज भेज दिया। देखते हैं पकड़ में आता है या नहीं। ओके, सिंगल होगा तो पकड़ में आ जाएगा। बढ़िया यार, पकड़ में आ गया। ये हमने यहां पर इफ्लुएंट एज इट इज भेज दिया। ठीक है, इफ्लुएंट भेजा और यहां पर हमने क्या पंप कर दी, यहां पर हमने पंप कर दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने यहां पर अंदर की साइड पंप करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहां पर ऑक्सीजन पंप करना स्टार्ट कर रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन आपने पंप कर दी, तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स एंड फंगस विल ग्रो एंड मेक फ्लॉक्स। और जब ये फ्लॉक बनेंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर को कर देंगे रिड्यूस। भाई खाना स्टार्ट कर देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर को खा खा के कर देंगे कम, खुद हो जाएंगे खा खा के मोटे। तो ऑर्गेनिक मैटर को कर दिया कम, यानी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कर दिया कम, तो पानी हो गया हमारा साफ, है ना। पानी हो गया हमारा साफ, अच्छा खासा पानी आपका साफ हो गया। यहां तक हमने बात कर ली है। यहां सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। ये क्या है आपका एरेशन टैंक, ये क्या है आपका एरेशन टैंक, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। अब देखिए क्या हुआ, अब अगली बात देखिए क्या हुआ। यहां तक हमें समझ में आ गया था बीओडी कम हो चुका है। नाउ Let's understand what happened next. अब देखिए, once the BOD of sewage wastewater is reduced significantly, effluent is then passed into settling tank. एक टैंक है जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक क्या करेगा, सेटल करेगा चीजों को। कैसे सेटल करेगा, आराम से देखना। यहां पर सेटलिंग टैंक वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब ये जो बैक्टीरिया है मोटे मोटे हो गए खा पी के, तो इनको सेटल होने दिया जाएगा, है ना। और इस सेडिमेंट को कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। यानी ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं जिनको नीचे बैठा दिया है और ऊपर साफ पानी आ गया है, इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाएगा। और इसका छोटा सा अमाउंट जो है पंप बैक किया जाता है एरेशन टैंक में, क्योंकि एरेशन टैंक में कौन काम कर रहा था, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस ही। तो जब जरूरत पड़ती है, जैसे दही जमाने के लिए पहले थोड़े दही की ही जरूरत थी, ऐसे ही यहाँ पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर आए हैं और फंगस आए हैं, लेट्स से मैं सफेद कलर से बना देता हूँ, यहाँ जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस आए हैं जो फ्लॉक बना रहे हैं, इनको भी तो भैया क्या किया जाएगा, सेडिमेंट करवा दिया जाएगा। तो इनको यहां पर दोबारा ऐड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि आप अब थोड़ा पार्ट तो पंप बैक कर दोगे एरेशन टैंक में अगले बार के लिए। जैसे इनोक्यूलम दे रहे थे ना हम दही जमाने के लिए, जामन का यूज कर रहे थे, वैसे यहां पर आप एक्टिवेटेड स्लज का यूज करेंगे। और रिमेनिंग मेजर पार्ट जो है स्लज का, जो आप वापस यूज नहीं कर रहे, इसको भेजोगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को खा जाते हैं और काफी सारे गैसेस बनाते हैं इस रिएक्शन के दौरान, जैसे H2S, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिन्हें बायोगैस कहा जाता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आराम से देखिए, ये जो यहां से चीजें आई, ये जो यहां से चीजें आई, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो यहां से चीजें आई, इसको हमने किस में डाल दिया, एक टैंक में डाल दिया। उस टैंक को हम लोग क्या कह रहे हैं, उस टैंक को हम लोग कह रहे हैं, उस टैंक को हम लोग कह रहे हैं सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, नाम से ही पता लग रहा है, सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, सेटल कर गई सारी चीजें। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, सेटल कर गई सारी चीजें, यानी ये जो फ्लॉक थे, ये जो आपके मोटे मोटे बैक्टीरिया और फंगस थे, ये भारी हो गए, जाहिर सी बात है पानी से तो भारी रहेंगे क्योंकि इन्होंने मैश बना लिया है, तो ये नीचे जमा हो गए, तो फ्लॉक सेटल्ड, फ्लॉक सेटल्ड हो गया सेटलिंग टैंक में। और आपका साफ पानी जो था, साफ पानी जिसका बीओडी कम था, ये आपका ऊपर रह गया। साफ पानी जिसका बीओडी कम था ये ऊपर रह गया। अब साफ पानी तो हम लोग ऊपर ऊपर से खींच लेंगे, निकाल लेंगे, और आपका नीचे ये जो बचा हुआ है फ्लॉक, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। इसको हम लोगों ने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो है थोड़ा सा आपका इनोक्यूलम के फॉर्मेट में डाल देंगे यहां पर। ये जो आपके फ्लॉक हैं ये यहीं से तो आएंगे, तो एज एन इनोक्यूलम इसको थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर, जिससे इनिशियली ही हम थोड़े एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस देते हैं, फिर डिवाइड करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, यहां पर दोबारा से सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाएंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है, ज्यादातर जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बचा हुआ जो पार्ट है, ज्यादातर जो पार्ट है, इसको हम लोग कहां डाल देंगे, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, इसको हम डाल देंगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ये जो आपके बैक्टीरिया और फंगस थे कैसे थे, एरोबिक थे। भाई एरेशन टैंक में जब आपने ऑक्सीजन दिया तो सारे खुशी से पागल हो गए, फंगस भी ग्रो करने लग गए, बैक्टीरिया भी ग्रो करने लग गया, यानी एरोबिक, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना तो ग्रो नहीं कर सकते। अगर मैं इन्हें अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देता हूं, अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, स्लज को मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, स्लज डाइजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज को मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब यहां पर आपका ऑक्सीजन है नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो यहां पर बचा हुआ मेजर पार्ट है ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है यानी अनएरोबिक कंडीशन है, तो मैं यहां पर क्या लेके आ जाऊंगा, अनएरोबिक बैक्टीरिया। अब अनएरोबिक बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए, और उसके सामने पड़े हुए हैं बहुत मोटे मोटे और बैक्टीरिया और फंगस, जिनकी जान जा रही है, जो मर रहे हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्या उनके सामने नया डेड मैटर आ गया, एकदम आ गया, क्या उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया हमला कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। खुद का खाना निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एंड क्या एंड में खुद मोटे मोटे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन हमने तो साफ पानी पहले ही निकाल दिया। अब यहां पर ये अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर हम लोग क्यों लेकर के आते हैं, क्योंकि जब ये अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर, फ्लॉक के ऊपर, तो कुछ बेनिफिशियल गैसेस निकलती हैं जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी हैं? वो आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे बायोगैस मिलती है। इसीलिए हमने, अदरवाइज पड़े रहने देते। भाई ऊपर से साफ पानी तो निकाल ही लिया था, है ना, ऊपर से साफ पानी तो निकाल ही लिया था, पड़े रहने देते। लेकिन इनसे भी कुछ बेनिफिशियल निकालने की तमन्ना थी दिल में, जो कि निकाल लिया। करेक्ट है। ये है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक्टिव रिकॉल करके बताता हूं कि हम लोगों ने क्या किया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपके पास गंदा पानी आए, जो जो गंदगी आपको साक्षात दिखाई दे रही है उसको तो आप निकाल ही सकते हो। तो ऊपर हमें तैरती हुई चीजें दिखाई दे गई पानी में, उनको फिल्ट्रेशन से निकाल लिया। नीचे जो भारी चीजें थी उनको हमने सेडिमेंट कर दिया। बीच का पानी जो है ये बच गया, इट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट, जिसमें असलियत में ऐसी कोई चीज है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको बैक्टीरिया को तोड़ना है। इस इफ्लुएंट को हम ले गए एरेशन टैंक में, जहां खूब सारी एयर इसमें हमने पंप करी। एयर जब हमने पंप करी तो वातावरण ऐसा बन गया एरोबिक वातावरण, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस डिवाइड कर करके फ्लॉक बना सकते हैं। और जब ये डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन इनको मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर सामने पड़ा ही है, ये खूब डिवाइड करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर की धज्जियां उड़ा देंगे। तो हमारा भी काम हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक मैटर भी कम, सॉरी आपका ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया, और ये जो मोटे मोटे बैक्टीरिया फंगस अब बन चुके हैं इनको हम नीचे सेडिमेंट करा देंगे और आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे और साफ पानी निकाल लेंगे, वो छोड़ देंगे नदिया किनारे, जिससे कि आपका वाटर बॉडी में पानी दोबारा सप्लीमेंट हो सके। सिंपल सी ये बात है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक प्रण लिया था ज्यादा से ज्यादा आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का। तो यहां पर जो प्लान था इसका नाम था जीएपी एंड वाईएपी, जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, जिससे इन नदियों में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये बहुत पवित्र नदियां हैं, हमारे लिए तो ये एक मां के समान है, और इनमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। आपको बहुत सारा कचरा इन नदियों के किनारे इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, पानी एकदम इनका काला हो चुका है। सो गवर्नमेंट हैज टेकन सम एक्शंस कि हम ज्यादा से ज्यादा एसटीपीज बिल्ड करेंगे, जिससे जो गंदा पानी इन नदियों में डायरेक्टली छोड़ा जाता है उसको एटलीस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आपका एक बार एक्शन करवा के फिर छोड़ा जाए, जिससे कि नदियों के प्रदूषण को थोड़ा रोका जाए, है ना। अभी भी काफी सारी गड़बड़ियां हैं, मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं, नदियां उतनी साफ नहीं है, बट आई होप आने वाले टाइम में ये जो प्लान्स हैं ये थोड़े सक्सेसफुली कंडक्ट किए जाएंगे और नदियां हमारी बेहतर हो पाएंगे। यहां तक सबको क्लैरिटी है? एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। बहुत छोटा सा चैप्टर है भाई, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आज, आई एम रियली सॉरी, है ना। यू कैन टेक अ ब्रेक ऑन योर ओन बट आई वोंट बी गिविंग एनी काइंड ऑफ ब्रेक। 2 घंटा हुआ यार, 2 घंटे में ब्रेक नहीं मांगना चाहिए, कम से कम मुझे लगता है 3-4 घंटा तो चाहिए ही। मार्टिनो ग्रैंड सर मेरा नाम लो, मार्टिनो ग्रैंड थैंक यू भाई। सर पीजीआर के नोट्स अपलोड कर दो, मैंने बोल दिया है टीम को, हालांकि आज मैं एक और बार पिंग करके करवा दूंगा, है ना। तारा रारा गाना गाइए सर, अरे यार यहाँ गाना मत गवाओ भाई, मैं ट्रोल होने लग जाऊंगा फिर दुनियादारी में, है ना। कहाँ तक पहुंचे हम? 20वीं स्लाइड तक पहुंच गए। आई थिंक वी हैव मोर 20 स्लाइड्स, है ना। चलिए थोड़ा देखते हैं इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कर लेते हैं। पीवाईक्यू मिल चुका है दोस्तों, करिए। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? कौन सी चीज को anaerobic sludge digester में डाला? कौन सी ऐसी चीज थी जिसको anaerobic sludge digester में डाला? अभी अभी पढ़ा है ये तो कर ही दोगे। कौन सी चीज है जिसको anaerobic sludge digester में डाला? 3 हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। एक्टिवेटेड स्लज को डाला एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, नाम ही है स्लज डाइजेस्टर, तो जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका थोड़ा सा पार्ट रीपंप कर दिया आपका एरेशन टैंक में और बचा हुआ यहां पर आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया, जिससे कि आपका CH4, H2S, CO2 जैसी काफी सारी गैसेस हमें देखने को मिली, जिनको हम लोग बायोगैस भी कह रहे थे। तो ये बात एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना दोस्त। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन कोई पीवाईक्यू का यहाँ से आया हुआ है तो। यहाँ ये तो नहीं आया हुआ, यहाँ ये भी नहीं आया हुआ, यहाँ ये भी नहीं आया हुआ। चलिए, मतलब एसटीपी से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल में। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता था एक्चुअली वो बीओडी से रिलेट करके ना, बीओडी और ऑक्सीजन के लेवल से रिलेट करके इकोलॉजी में बनता था, एनवायरमेंटल इश्यूज में। बट अब वो चैप्टर भी गायब हो चुका है, स्वाहा हो चुका है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब है एसटीपी इज इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली, बट अभी फिलहाल इस सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखते हैं भैया हमसे क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बायोगैस का क्या नाम सुन लिया है? बिल्कुल सुन लिया है। कहां सुन लिया हमने? हमने ये कहा कि जब आपके एक्टिवेटेड स्लज को अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है तो आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार की गैसेस बनाते हैं। जैसे मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिन्हें बायोगैस कहा जा रहा था। तो क्या हमने बायोगैस का नाम सुन लिया है STP में? बिल्कुल सुन लिया है। इसी प्रकार से काफी सारे और माइक्रोब्स जो हैं ये भी आपके प्रिडोमिनेंटली मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी CH4 को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गैस है बायोगैस के अंदर, जो कि आपका एज अ फ्यूल इस्तेमाल करी जा सकती है। तो काफी सारे गांव में छोटे छोटे गोबर गैस या बायोगैस के प्लांट भी तैयार किए जाते हैं, जो कुकिंग और लाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आप अपने घर की बिजली का समस्त बिल नहीं बचा सकते, बिकॉज दिस सेटअप इज नॉट वेरी पावरफुल, लेकिन आप लिमिटेड जोनर के काम जरूर कर सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और गांव में ये जो गोबर गैस प्लांट है, इसको बनाना भी काफी आसान है, बिकॉज ज्यादातर जो चीजें हैं वो पहले से ही अवेलेबल होती हैं। अगर आप देखें तो आपको करना क्या होता है, एक गोबर गैस प्लांट को बनाने के लिए आपको एक बहुत डीप गड्ढा खोदना होता है, जिसकी जो डीपनेस है वो वेरी करती है। कोई 8 फीट का गड्ढा खोदते हैं, 10 फीट का, 12 फीट का गड्ढा खोदा जाता है। एंड यहां पर आपका ये जो गड्ढा है, इसमें इसे डाइजेस्टर कहा जाता है। जो गड्ढा है इसको कंक्रीट से ढक दिया जाता है, मतलब इसका जो बेसिकली बाउंड्री है, अगर ये गड्ढा है तो इसकी बाउंड्री पे मैं ईंटें लगा दूंगा और उसको थोड़ा पक्का कर दूंगा, जिससे मैं उसके अंदर सामान भर सकूं। और सामान में क्या डालूंगा, सामान में सारा वो सामान डाल दूंगा जो मेरे घर के लिए वेस्ट है। अगर मैं खेत में रहता हूं, अगर मैं गांव में काम करता हूं, तो मेरे घर में गाय भैंसे भी होंगे। उन गाय भैंसों को खिलाने के लिए चारा भी होगा। वो चारा कई बार बच भी जाता है, तो वो भी मेरे लिए एक वेस्ट है, वो भी इकट्ठा करके मैं इसमें डाल सकता हूं, इस गड्ढे में। मेरे पास फैमिली मेंबर्स भी हैं जिनके लिए मैं सब्जियां भी बनाता हूं, तो मैं उन सब्जियों के जो छिलके हैं वो भी यहां डाल सकता हूं। घर में चाय भी बनती है, तो चाय की बची हुई पत्ती है जो कि हम अक्सर फेंक देते हैं, मैं उस चाय पत्ती को भी डाल सकता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक है। और कोई बचा हुआ अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान है या कुछ भी है XYZ, मैं उन सारी चीजों को डाल सकता हूं अलॉन्ग विद गोबर। क्योंकि गोबर गैस है तो जाहिर सी बात है प्राइम इंपॉर्टेंस तो गोबर की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था र्यूमिनेंट्स जो होते हैं, ऐसे जानवर जो बेसिकली घास चबाना प्रेफर करते हैं, इनके स्टमक का जो एक चैम्बर है र्यूमेन, है ना, वहां बेसिकली आपके मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो गोबर में आपके ऐसे काफी सारे मिथेनोजेंस होते हैं जो गोबर से मीथेन बना सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब आपने गोबर डाल दिया, बची खुची सब्जियां डाल दी, सड़ा गला मैटर डाल दिया, काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर आ चुका है, जैसा कि हमारे सीवेज में भी था। और यहां पर आपने गोबर भी डाल दिया है, और गोबर के अंदर क्या है, मिथेनोजेंस है। तो मिथेनोजेंस इस गोबर के ऊपर और इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अच्छे से एक्ट करने लग जाएंगे। और क्या करेंगे, ऊपर होता है एक फ्लोटिंग कवर, है ना, ऊपर एक कवर रखा जाता है इस कंटेनर के। जैसे जैसे इस गड्ढे में आपकी गोबर गैस बनती जाएगी, आपका ढक्कन ऊपर होता जाएगा। जैसे कुकर की सीटी बजती है ना भाई, आपका अगर दाल चावल बन चुका है तो कुकर की सीटी बजती है, यानी अंदर से वेपर आने लगते हैं। अंदर से इतना वेपर आता है कि सीटी ऊपर हो जाती है उस प्रेशर की वजह से, और सीटी के साउंड से हमें पता लग जाता है कि हाँ यार, इनफ उबल चुका है आपका अंदर का सामान। सिमिलरली यहां पे जब गैस होल्डर ऊपर आता है तो हमें पता लग जाता है हाँ भाई, अंदर गोबर गैस बन चुकी है। तो एक पाइप जो है उससे आप इस गैस को निकाल सकते हो। इसमें वॉल्व होती है, इस वॉल्व को मैं भी लिख देता हूं यहां पे। इस वॉल्व को आप ऑन कर सकते हो, पहले तो आपने बंद कर रखी है जिससे प्रेशर जनरेट हो, अदरवाइज सारी गैस यहीं से निकल जाएगी। एक वॉल्व होती है, इसको आप ऑन कर दो, जब आपको गैस चाहिए तब यहां से गैस मिल जाएगी। इट बिहेव्स लाइक ए सिलेंडर। तो यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप स्लज डाल सकते हो, यहाँ पे आप गोबर और पानी डाल सकते हो, जिससे कि एक पूरा मिश्रण बन जाए यहाँ पे, है ना, और नई नई गैसेस बन के यहाँ पे जमा हो जाए, CO2, H2S, CH4 वगैरह। और यहाँ पर स्लरी जो है ये खराब भी हो जाती है कई बार। आपने क्या किया, काफी सारा गोबर डाला, कचरा डाला और उससे गैस बनाने की कोशिश की। कई बार जब आप इसको साफ कर रहे होते हो तो आपको स्पेंट स्लरी मिलती है। स्पेंट स्लरी मतलब ऐसी स्लरी, ऐसा पानी, गोबर का मिश्रण, सब्जियों के छिलकों का मिश्रण, जिससे गैस नहीं बन पाई, बिकॉज इट इज नॉट अ 100% एफिशिएंट प्रोसेस, है ना, देसी जुगाड़ है। तो जो स्पेंट स्लरी है उसमें भी तो अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको आप खेत में भी छिड़क सकते हो, वो एक खाद का काम करती है, यानी कोई चीज यहां पर वेस्ट नहीं हुई, राइट। आप भाई जो गोबर गैस जनरेट कर रहे हो, जो बायोगैस जनरेट कर रहे हो, उससे आप कुकिंग और लाइटिंग का काम कर रहे हो। आपने यहां पर जो भी चीज डाली वो आपके काम की थी ही नहीं, ना गोबर आपके काम का था, ना आपकी सब्जियां के जो छिलके थे या जो ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट था वो आपके किसी काम का था। तो आपने एक तो गोबर गैस जनरेट कर ली, और दूसरा आपने क्या किया, ये जो स्पेंट स्लरी है, ये जो बची हुई आपकी चटनी है, अंदर एक तरीके से जो लिक्विड मिश्रण है, जो गोबर गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको आपने एज खाद इस्तेमाल कर लिया, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आप हारे कहीं भी नहीं, है ना। तो ये जो दोनों चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर पढ़िए एक्चुअल में क्या होता है। देखिए यहां पर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली, भाई अनएरोबिकली ही हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज रहे थे, तो अनएरोबिकली यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। अब ये सेल्यूलोज कहां है भाई, आपकी जो गाय भैंसे हैं उन्होंने क्या खाई, घास खाई, तो उस सेल्यूलोज को भी तो ये आपके ब्रेक कर रहे होंगे, इनको डाइजेस्ट कर रहे होंगे, है ना। प्लस आपने कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर फीड किया है इस बायोगैस प्लांट के अंदर, दैट ऑल्सो कंटेन्स सेल्यूलोज, तो इस सेल्यूलोज के ऊपर काफी सारे एनारोबिक बैक्टीरिया आपके क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, CO2 ये सारी गैसेस आपकी बनके तैयार हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, आपका बायोगैस कहा जाता है कलेक्टिवली, जिसकी सबसे मेन गैस क्या है आपकी मीथेन। और ये जो बैक्टीरिया है जो मीथेन बनाने में हेल्प करते हैं क्या कहा जाएगा, मिथेनोजेंस। आर की बैक्टीरिया में हमने कैटेगरी भी पढ़ी थी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट मिथेनोजन कौन है, मिथेनोबैक्टीरियम, है ना, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो मिथेन बनाता है, मिथेनोबैक्टीरियम इसको कह देंगे। तो ये आपका क्या करते हैं बेसिकली, जैसे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को, बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट कर रहे थे, उसी प्रकार से ऐसे जो बैक्टीरिया है अनएरोबिक ये आपके एनिमल्स के ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, र्यूमिनेंट्स के ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, जो कि स्टमक का एक पार्ट है। तो जो भी सेल्यूलोजिक मटेरियल गाय भैंसे खाएंगी, है ना, ये आपका ह्यूमन तक भी आएगा, पेट तक भी आएगा, और वहां ये जो बैक्टीरिया है ये आपका हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज, जिससे कि आपका बढ़िया आपके कैटल को न्यूट्रिशन मिले, है ना। और गोबर जो है अब जब इस र्यूमिनेंट का निकलेगा तो आपके ये बैक्टीरिया भी साथ साथ निकल जाएंगे और गोबर तक से भी गोबर गैस जनरेट करने का काम करेंगे। यानी क्या करते हैं बैक्टीरिया, किस प्रकार से हेल्पफुल है र्यूमिनेंट्स के लिए, ये इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को, क्योंकि हमारे पास एंजाइम सेल्यूलेज है ही नहीं, इसीलिए हम लोग घास नहीं खाते हैं, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अमाइलेज, बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज वी डू नॉट हैव सेल्यूलेज, राइट। तो र्यूमिनेंट जो है उनके पास सेल्यूलेज है और उनके पास बल्कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सेल्यूलोज को बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट। हमारे पास ये माइक्रोब्स नहीं है। तो जो मिथेनोजेंस हैं ये क्या कर रहे हैं, कैटल का भोजन पचाने में भी हेल्प कर रहे हैं, और ये कुछ माइक्रोब्स गोबर में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर बायोगैस भी बना सकते हैं। जैसे LIC का एड आता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसी तरीके से आपके ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस है ये है आपका सेल्यूलोज की डाइजेशन के दौरान भी और गोबर बनने के बाद भी, उस गोबर से भी आपका ये मीथेन बनाने के काम में आते हैं। ये सेटअप हम लोगों ने देख ही लिया है। यहां से आप गोबर डालो, पानी डालो, यहां पर आपकी चटनी बन जाएगी बढ़िया तरीके से, एक लिक्विड घोल बन जाएगा। ऊपर से कचरा वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप लोग, सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अलग अलग पाइप्स होते हैं, इनलेट्स होते हैं, और गैस जब बन जाएगी इसके अंदर तो आपका ये जो गैस होल्डर है ना, ये आपका ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका पता लग जाएगा भाई कुकर की सीटी बज गई है, यहां से वॉल खोलिए और गैस निकालिए। कुकिंग लाइटिंग के लिए इस गैस का इस्तेमाल करिए। तो आपके यहां पर दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। इन्होंने गोबर गैस की टेक्नोलॉजी को अलग अलग गाँव में इंप्लीमेंट करने का प्रण लिया है और काफी गाँव में, काफी अलग अलग जगह पर, रूरल एरियाज में ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस की ये आपकी इंप्लीमेंट हो भी चुकी है, तो काफी लोग इसको गांव में यूज करते हैं। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने एक एग्जाम भी दिया होगा शायद कभी, नहीं आप तो अगर लेट्स से ड्रॉपर नहीं हो तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर ड्रॉपर हो तो एक एग्जाम आपने सुना होगा ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो एग्जामिनेशन है ICR का, दैट इज बीन कंडक्टेड बाय IARI। भारत में जो एग्रीकल्चरल रिसर्च होती है दैट इज एफिलिएटेड विद IARI, ये मास्टर इंस्टीट्यूट है, इसके नीचे सारे काम होते हैं। तो ICAR जो है दैट वर्क्स अंडर IARI, है ना। तो ये एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपको ये कहीं ना कहीं IARI देखने को जरूर मिला होगा। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है दोस्त, बायोकंट्रोल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो बायोलॉजिकली किसी और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करे। मतलब हम यहां पर केमिकल का इस्तेमाल ना करें, हम ऑर्गेनिज्म को ही कंट्रोल करने दें। फॉर एग्जाम्पल एक केस देता हूं, आपका एक खेत है जिसमें काफी सारे इंसेक्ट्स आकर के फसलों को खराब कर रहे हैं। आपने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड केमिकल लेकर के वहां पे स्प्रे कर दिया जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी हर एक इंसेक्ट हर एक पेस्ट जो आपके खेत में मौजूद था वो मर गया, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो, चाहे वो आपकी फसलों के लिए हार्मफुल हो, चाहे वो आपके फसलों के लिए हार्मफुल ना हो, इट गॉट किल्ड बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ केमिकल्स। अब जो इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं थे आपकी फसलों के लिए, एक्चुअल में वो इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे थे। एवरी important insect, every important living organism in fact has a proper role in ecosystem। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, एक organism को दूसरा organism खाता है, उसको तीसरा organism खाता है and so on। So अगर समझ लीजिए आप एक ऐसे insect को मार देते हो जिसके ऊपर कोई बड़ा insect feed कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा important है ecosystem stability के लिए, तो वो तो extinct हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। तो आपने कहीं ना कहीं ecosystem को stabilize होने से रोक दिया, आपने डिस्टेबलाइज कर दिया उसको। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें और जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल हैं हम उन्हीं चीजों को मारें। लेट्स से अगर किसी जगह मच्छर बहुत ज्यादा है, अब ये सवाल जो है काफी अच्छे तरीके से आपका अलग अलग जीके बुक्स में भी बहुत प्रचंड हो गया है, आपको पढ़ाया भी जाता है गंबूसिया फिश के बारे में। अगर किसी इलाके में चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, अभी लास्ट वीक मेरे पिताजी को भी हो गया था, तो अगर कहीं डेंगू इतना फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, तो उस जगह हम चाहेंगे मच्छर ना पनपे। अगर हम चाहते हैं मच्छर ना पनपे तो गंबूसिया मछली जो है हमें आसपास वाटर बॉडीज में रिलीज करनी होती है, क्योंकि गंबूसिया मछली किस पे फीड करती है, मच्छर के लार्वा पे। उसको पैदा ही नहीं होने देती, मतलब पनपने नहीं देती बेसिकली, तो अडल्ट मच्छर बनता ही नहीं है, तो आपका काटेगा किसको। यानी आपको मच्छर अगर मारने हैं तो आपको समस्त जनजाति को किल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे इंसेक्टिसाइड छिड़क करके आप स्पेसिफिकली गंबूसिया फिश लेकर के आइए और आप मच्छरों का खात्मा कर रहे होंगे, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनी इंसेक्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ दैट इंसेक्ट। मुझे अगर किसी एक इंसेक्ट से छुटकारा पाना है, मैं समझने की कोशिश करूंगा, मैं रिसर्च करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो मेरी फसल को भी ना हार्म करता हो और इस इंसेक्ट को भी मार दे। क्योंकि समझ लो भाई एक इंसेक्ट है, उसको मारने के लिए मैं दूसरा इंसेक्ट तो ले आया, लेकिन वो इंसेक्ट भी मेरी फसल को हार्म कर रहा है, तो मैं तो डबल लॉस में हो गया ना यार। मुझे एक ऐसा इंसेक्ट चाहिए जो उस इंसेक्ट को भी मार दे जो मेरी फसल को नुकसान कर रहा है और मेरी फसल को नुकसान भी ना पहुंचाए, तो मैं एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे किसी भी इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ साइकिल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और बेसिकली मैं केमिकल्स के यूज को रिड्यूस कर पाऊंगा, क्योंकि केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि समझ लीजिए मैं हर चीज के लिए अगर इंसेक्टिसाइड डाल रहा हूं, पेस्टिसाइड डाल रहा हूं, है ना, मैं अगर वीडीसाइड डाल रहा हूं, हर्बिसाइड डाल रहा हूं, तो ये सारे केमिकल्स क्या हो रहे हैं, सॉइल में इकट्ठे हो रहे हैं। सॉइल में इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारी क्रॉप्स जो है वो भी तो इनको इम्बाइब कर रही है ना, वो भी तो इनको एब्जॉर्ब कर रही है केमिकल्स को, यानी मेरी वेजिटेशन भी खराब हो रही है, मेरी सॉइल भी खराब हो रही है, मैं पॉल्यूशन भी कॉज कर रहा हूं, खर्चा भी डबल लग रहा है, केमिकल भी लेकर के आ रहा हूं, रिलायंस भी बढ़ गई है केमिकल पे। क्यों? क्योंकि अगली बार जब मैं केमिकल डालूंगा तो इंसेक्ट कम मरेंगे, क्योंकि वो भी तो अपने आप को इवॉल्व करेंगे ना दोस्त। भाई पहले जब हम मॉर्टिन जलाते थे तो मच्छर डर डर के भाग जाते थे, अब तो मॉर्टिन जलाओ, वो जो लाइट वाला आता है उसके ऊपर बैठेगा मच्छर एकदम टिप पे कि सुगंध लेने के लिए आज कौन से नए फ्लेवर का डिओड्रेंट आया है मार्केट में, सूंघ के तो आए जरा। उसको लगता है सुगंधी का कोई औजार है, वो सूंघने पहुंच जाता है, उसके ऊपर बैठा हुआ। एक दिन मैंने देखा है लट्टू पे बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ मच्छर, समझ रहे हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग इवॉल्व ना। तो अल्टीमेटली आर एम इज टू किल देम नेचुरली, राइट। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे कह रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट, एजेंट ऐसा हो जो बायोलॉजिकली कंट्रोल कर दे, सामने वाले ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे। तो यहां पर क्या है, बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, ऐसे बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। कोई ऐसा इंसेक्ट है जो बीमारी फैलाने वाला इंसेक्ट होता है, उसे हम पेस्ट कहते हैं। तो आपका ऐसा कोई पेस्ट है जो प्लांट में बीमारी फैला रहा है, किसी क्रॉप को ग्रो नहीं होने दे रहा, तो उसको कैसे नेचुरली मारा जाए, दैट इज आवर एफर्ट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यहां पर केमिकल्स पे रिलाय ना होकर के हम लोग यहां पर केमिकल्स को यूज ना करके हम क्या चाह रहे हैं, नेचुरल प्रेडेशन पर रिलाय होना चाह रहे हैं। यानी शिकार के मेथड पे एक इंसेक्ट जो है वो अगर किसी दूसरे इंसेक्ट को खाता होगा तो नेचुरली वो तो वैसे भी खाएगा, हमने बस थोड़ी और दावत पेश कर दी, थोड़े ज्यादा इंसेक्ट है हमारे खेत में, वहां पर बुला लिया बड़े वाले इंसेक्ट को, लो भाई खाओ बैठ करके, सारे दिन दावत उड़ाओ, मौज मस्ती करो और मोटे हो जाओ, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, और ये बात करेक्ट भी है। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ मतलब अगर एक जगह ज्यादा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रचंड है, तो वहां पर हेल्दी एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें खिली रहेंगी, फलती फूलती रहेंगी और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा आगे अगले 2-3 लेक्चर्स में, तो आपको ये बताऊंगा भी कि बायोडाइवर्सिटी किस हिसाब से आपके बेसिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। तो ये हमारा टॉपिक भी है अच्छा खासा। तो जितनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रहेंगे उतना ही स्टेबलाइज्ड आपका इकोसिस्टम रहेगा, सारी कड़ियां जुड़ी हुई होंगी और आपका बढ़िया आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे अगर आपको रेड एंड ब्लैक मार्किंग का, लाल और काली मार्किंग का एक कीड़ा आता है जिसको लेडीबर्ड बीटल कहा जाता है, तो लेडीबर्ड बीटल जो है एफिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफिड को मार गिराने के लिए बहुत जरूरी है। और आपका ड्रैगन फ्लाई जो है ये आपका क्या करती है, ये आपका मच्छरों को मार देती है ना। तो आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मच्छर को मारना है तो इंसेक्टिसाइड मच्छर को ड्रैगन फ्लाई लाके छोड़ दो, वहां पे सारे मच्छर खत्म, है ना। सिमिलरली लेडीबर्ड बीटल जो है, लेडीबर्ड बीटल कैसा होता है अगर आप देखेंगे तो रेड एंड ब्लैक मार्किंग का ये बीटल होता है, यानी कुछ ऐसा होता है, आपको देख करके एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है ना। ये आपका लेडीबर्ड बीटल है, कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, आपने शायद कहीं देखा भी हो। एग्जैक्ट बना रहा हूं तो एकदम समझ में आ जाएगा, देखा होगा तो एकदम ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग है एकदम पिकासो जैसी। हम बनाते हैं 3D ड्राइंग, ओके। ये आपकी लेडीबर्ड बीटल है, यहाँ सफ़ेद से मुंह इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काले से बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये आपका क्या है, लेडीबर्ड बीटल है ना। टांगे कम बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अब क्या है, काले से यहाँ पर ऐसे निकल रही हैं तो एकदम आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, यस इट इज अ कमाल का इंसेक्ट। सो दिस इज लेडीबर्ड बीटल, है ना। ये भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट काफी सारे बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स भी यहां पर ऐड किए जाते हैं। जैसे अगर आपको बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की ग्रोथ को रोकना है तो आपको बैसिलस थुरिंजियंसिस यानी बीटी नाम के बैक्टीरिया को, इसके जीन को इनकॉर्पोरेट कर देना है आपका प्लांट के अंदर। बीटी जो है ये काफ़ी सारी अभी तक फसलों में यूज़ हो चुका है, जैसे बीटी कॉटन सबसे कॉमन है जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉर्न है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज तक बन चुकी हैं। क्या होता है दोस्त इसमें, बीटी क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया, है ना, बैसिलस थुरिंजियंसिस। इसके पास एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन, CRY क्राइजीन। ये क्राइजीन जो है ये आपका, आप क्या कर देते हैं, प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। समझ लीजिए मैंने कॉटन में इस बीटी का जीन डाल दिया, तो अब अगर कोई इंसेक्ट कॉटन पे फीड करेगा, कॉटन के फल को खाने की कोशिश करेगा, तो उसकी बॉडी में क्राइजीन चला जाएगा और उसके गट में जाकर के, ड्यू टू अल्कलाइन pH, उस इंसेक्ट के गट में जाकर के एक्टिव हो जाएगा। प्लांट में एक्टिव नहीं रहता क्योंकि प्लांट का pH डिफरेंट है। आपका इंसेक्ट की बॉडी में जाकर के क्या कर देता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है, यानी इतना एक्टिवेट हो जाता है ये टॉक्सिन, क्रायोटॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, कि आपका बेसिकली इंसेक्ट जो है उसके इंटेस्टाइन में छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो एक टाइम बाद बाकी इंसेक्ट्स को भी पता लगने लग जाता है, इंसेक्ट्स में भी बातें होती हैं, अरे यार वो सोनू की डेथ कैसे हुई, सोनू इंसेक्ट की, यार वो कॉटन खाने गया था और उसके बाद पता नहीं पेट फट के मर गया, उसके बाद अच्छा और वो गोलू इंसेक्ट की, बोला वो भी कॉटन खाने गया था पेट फट के मर गया। तो सिर्फ पेट ही नहीं फटता, आसपास सब हिल जाते हैं ना, कि अरे भाई ये कॉटन को नहीं खाना है, इसको खा के मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली यू गेट रिड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कैटरपिलर्स, जो कि आपको पता लग जाता है कि क्यों मरे, तो खाना छोड़ देते हैं। जैसे एरिड रीजन है, कोई आसपास फूल पत्ती नहीं है, वहां पे कैलोट्रोपिस अकेला खड़ा रहता है, आकड़े का पेड़, जिससे दूध निकलता है, विच इज हैविंग यू नो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, है ना। तो जानवरों को पता है भाई इसको खाएंगे हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई भी जानवर कैलोट्रोपिस को मुंह नहीं लगाता चाहे कितनी भूख लगी हो, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये जो है मौत का फरमान है। इसको मुंह लगाया और बस यमराज का भैंसा दिखा, ठीक है। तो ये सैशे में मिलते हैं एज ड्राई स्पोर्स, बीटी टॉक्सिन्स। इनको आप क्या करते हो, इनको आप बायोटेक्नोलॉजी से भी इंसर्ट करा सकते हो इनसाइड द कॉटन। और अगर लेट से इतना टाइम नहीं है तो बीटी स्पोर्स आपको सैशे के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पाउच को फाड़िए, पानी में मिलाइए इन स्पोर्स को और छिड़क दीजिए अपनी फसल के ऊपर। कोई भी इंसेक्ट खाएगा उसका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आप पहले पढ़ चुके हो, मतलब ट्राइकोडर्मा जीनस के बारे में पढ़ चुके हो। फटाफट देखो एक बार भाई, ट्राइकोडर्मा कहां पढ़ा था, लिख के बताओ फटाफट। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम पढ़ा था, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बना रहा था। ये वही ट्राइकोडर्मा है, ये सेम टू सेम ट्राइकोडर्मा है। लेकिन यहां पर काम क्या कर रहा है, ये सेम ट्राइकोडर्मा है, यहां पर काम क्या कर रहा है, ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज में काम आता है। यानी ये फंगस ऐसी है, कोई अगर किसी प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहा होगा ना तो ये उसे बचा लेगा, है ना। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है ये आपकी फ्री लिविंग पाई जा सकती है, अकेले रह सकती है ना। लेकिन आपका रूट इकोसिस्टम में भी अच्छे तरीके से पाई जाती है, प्लांट की रूट के साथ भी ये आपकी एसोसिएट हो सकती है और अलग अलग प्लांट पैथोजन को ये आपका ब्लॉक करने में हेल्प करती है। क्योंकि क्या है, ये फंगस है और फंगस का काम क्या होता है, फंगस का काम क्या होता है। अब इतना मत देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है, अब एक्चुअल बात देखो। ये अगर आपकी एक प्लांट की रूट है, इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा फंगस लगी हुई है, तो फंगस का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। हाइफे लगे रहेंगे यहाँ पर, बिल्कुल लगे रहेंगे, जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था माइकोराइजा के अंदर भी इस फंगस का क्या काम रहता है भाई। एक तो ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है आपके प्लांट को, और ऊपर इतना तगड़ा सा जाल बना लेता है कि कोई भी पैथोजन आ करके इस रूट में एंटर कर ही नहीं सकता। भाई कौन जाएगा इस जंजाल के अंदर, राइट। तो फंगस की एसोसिएशन क्यों होती है आपके प्लांट के साथ। प्लांट जो है फंगस को खाना दे देता है और फंगस बदले में क्या प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्टिव एरिया और आपकी प्रोटेक्शन, है ना। तो यहां क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा आपका कौन, ट्राइकोडर्मा, आपका ट्राइकोडर्मा। तो ये आपका फ्री लिविंग भी होता है, लेकिन जब प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड है तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से ये क्या कर देता है, आपका प्लांट को बचा लेता है। सिमिलरली यहां पर बस एक नाम याद करना है, बैक्यूलोवायरस और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो है ये क्या करता है, बैक्यूलोवायरस आपका ये अटैक करते हैं इंसेक्ट पे और आर्थ्रोपोड्स पे, मतलब आर्थ्रोपोड फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस जो है ये आपके यूज किए जाते हैं कौन से जीनस के, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस रखता है। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बैक्यूलोवायरस एक कैटेगरी है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी जिसमें काफी सारे वायरसेस आते हैं, और इनमें से स्पेसिफिक एक जो जीनस है दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो ये जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है इसे नैरो स्पेक्ट्रम कहा गया है। यानी समझ लीजिए तीन इंसेक्ट है, ए बी और सी। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस सिर्फ ए को अगर मारता है तो वो बी और सी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। हमें सिर्फ उसी इंसेक्ट को मारना है जिससे हमें कोई हानि है, जिससे हमें कोई नुकसान है। बाकी इंसेक्ट्स की तो हमसे कोई दुश्मनी नहीं है तो हम उसको नहीं मारेंगे। और ऐसी स्पेसिफिक आपको, स्पीसीज स्पेसिफिक आपको कंट्रोल देखने को मिलती है कहां पर, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के अंदर, जो कि आपका बैक्यूलोवायरस कैटेगरी का एक पार्ट है। तो नाम आपको याद करना है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। अब देखिए दोस्त, हमने देखा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकता है। दो मेन नाम याद करने हैं, ट्राइकोडर्मा जो कि प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को मार गिराता है। अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स की भी आवश्यकता रहती है प्लांट को उगाने के लिए। अगर आप फसल उगा रहे हो आपको खाद भी डालनी पड़ेगी, जिसके लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर में, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फसल को किस चीज की कमी है, वही चीजें आपको एडिशनली मार्केट से ला करके डालनी पड़ती है। अब इन केमिकल्स का जब हम यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपकी सॉइल जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, उसके अंदर भी केमिकल की भरमार हो जाती है और उसी केमिकल को आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपके काफी सारे एडिशनल केमिकल्स भी आपके क्रॉप में आते हैं जिससे आपकी सेहत होती है खराब। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप में से जितने भी लोग बड़े शहर में रहते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स किसी ग्रोसरी शॉप से जरूर शॉपिंग करते होंगे या ऑनलाइन कभी ना कभी सब्जी जरूर शॉप करके अपने पेरेंट्स को देते होंगे। जैसे लास्ट टू लास्ट वीक ही अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव ऑर्डर्ड सम वेजिटेबल, है ना, क्योंकि मम्मी पापा लोग नहीं गए थे, यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि बाहर से मंगा लिया जाए। जब हमने बाहर से मंगाया तो दो अलग अलग टमाटर थे, दो अलग अलग आलू थे, एक पे लिखा हुआ था नॉर्मल आलू, है ना, पोटैटो, एक पे लिखा था ऑर्गेनिक फार्म्ड पोटैटो, जिसका प्राइस 10 रुपए ज्यादा था। यानी अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक सब्जियों की डिमांड भी बढ़ रही है विद टाइम। लोग नहीं चाह रहे हैं केमिकल्स खाना, तो ऐसी सब्जी जो ऑर्गेनिकली तैयार करी जाती है, यानी जिसमें फर्टिलाइजर भी घर का है, वही जो है आपकी सबसे बेस्ट सब्जी मानी जाती है। तो हम लोग भी क्या चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया जैसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स को यूज करके बढ़िया आपकी फसल तैयार करें। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फसल तैयार करने के लिए? पानी और न्यूट्रिएंट्स, यानी मिनरल्स। और मिनरल्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बताया था कि हवा से जो CO2 मिल रही है इससे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, CO2, और धरती से जो पानी मिल रहा है इससे क्या मिल गया? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बचा क्या? नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? CHON, CH और O तो मिल गए CO2 और वाटर से, N बच गया। N कहां से मिलेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर भी नहीं सकते खुद प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए इनको। जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो यहां पर हमने आपका क्या देखा था? नॉस्टॉक देखा था चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एनाबीना के बारे में भी पढ़ा था। तो एनाबीना, नॉस्टॉक मारिया करो, चाहिए हमको होता है, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए होता है। अगर आप रूट की बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स, तो इनके साथ एक बैक्टीरिया एसोसिएट होता है जिसको क्या बोल रहे थे हम? राइजोबियम। राइजोबियम एसोसिएट्स विद रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे मटर और बीन के प्लांट्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हो? इनकी रूट के साथ एसोसिएशन कर सकते हो। तो नाइट्रोजन मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। फंगस और बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं? आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। समझ लीजिए प्लांट के आसपास काफी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, काफी सूखे पत्ते पड़े हुए हैं जो कि एक तरीके से आपका डेड मैटर है, उसके ऊपर क्या बैक्टीरिया और फंगस एज डीकंपोजर्स एक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल एक्ट करेंगे। और एज अ डीकंपोजर अगर ये एक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? अगर डीकंपोजर ये एक्ट करेंगे तो डीकंपोजर का काम क्या होता है? डीकंपोजर का काम होता है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देना। तो क्या ज्यादा इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जमा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये इनऑर्गेनिक मैटर कौन इम्बाइब कर लेगा, कौन ले लेगा भैया? ये प्लांट ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, एकदम ले लेगा। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम कर लेगा। यहां पर भी जो आपको नाइट्रोजन मिला, यहां पर भी जो आपको नाइट्रोजन मिला, चाहे एनाबीना नॉस्टॉक से मिल रहा हो, चाहे राइजोबियम से मिल रहा हो, ये नाइट्रोजन भी प्लांट ले लेगा, बिल्कुल। तो क्या प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। और क्या आपने यहां पर कोई बाहर का केमिकल इस्तेमाल किया? नहीं किया। यानी यहां पर अगर आप प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो कराना चाहते हो देन देयर आर एम्पल स्ट्रेटजीज जिनसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं। और काफी सारे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे एनाबीना है, नोस्टॉक है, एजोस्पायरिलम है, एजोटोबैक्टर है, ये आपके फ्री लिविंग होते हैं, ये आपके मस्त पड़े रहते हैं सॉइल में और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। तो इन सब से नाइट्रोजन आ रहा है सॉइल में, जो कौन ले लेगा? आपका प्लांट बढ़िया तरीके से ले लेगा, है ना। अगर आप यहां पर देखें तो फंगस जो है ये आपका एसोसिएट हो सकते हैं प्लांट के साथ, माइकोराइजल एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बनाकर दिखाया था। फंगस जो है प्लांट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अब ये जो फंगस एसोसिएट हो रहा है ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो फंगस डीकंपोजर का तो काम करता ही है, आपका ये सरफेस एरिया भी बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर फंगस एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स तो प्लांट को हेल्प कर रहा है ग्रोथ में, इसको ज्यादा पानी और मिनरल्स मिल रहे होंगे तो इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी, है ना। तो यहां पर माइकोराइजा कौन बनाता है, यूजुअली जीनस ग्लोमस के मेंबर बनाते हैं। जीनस ग्लोमस किसका है आपका, बेसिकली फंगस का है ना। जीनस ग्लोमस के मेंबर्स जो है ये आपका बढ़िया तरीके से प्लांट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और आपका बेसिकली रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं पैथोजन से, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे ट्राइकोडर्मा हेल्प कर रहा था कि कोई पैथोजन प्लांट की रूट में एंटर ना करे, ज्यादा सॉइल भी जो है, ज्यादा ड्रॉट जो है, इससे भी आपका बचाते हैं प्लांट को और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। यानी एक जो फंगस एसोसिएट हो चुका है प्लांट के साथ उसके मल्टीपल रोल्स है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है नेचर में, बाहर एक कवर बना रहा है तो एडिशनल सैलिनिटी भी होगा, तो पानी जो है वो पहुंचा देगा आपका कहां तक, रूट तक, और सॉल्ट जो है खुद तक रखेगा। यानी स्ट्रेस जो है एक फंगस खुद तक रखना चाहता है और आपका प्लांट को क्या है, अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहता है इन एवरी फॉर्मेट। इसीलिए प्लांट ज्यादा ड्रॉट को, ज्यादा सॉल्ट को, बेसिकली सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाता है और आपका एडिशनल पैथोजन से भी उसको क्या है वो मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो जीनस ग्लोमस जो है सबसे इंपॉर्टेंट जीनस है फंगस का, जो कि आपका क्या बनाता है, माइकोराइजा बनाता है। तो दो जीनस के बारे में अभी तक हमने बात करी। पहला जीनस क्या था, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि इंसेक्ट को स्पेसिफिकली मारता है, सो इट इज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। और दूसरा जीनस ग्लोमस, जो सबसे फेमस है माइकोराइजा बनाने के लिए। ये दो चीजें आपने अभी तक याद करी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक है, बिल्कुल है, हमें पता है ये बात, है ना। और साइनोबैक्टीरिया कहां पाए जाते थे, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चलो, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, अकेले भी पाए जा सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, या आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये सारी बातें सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साफ साफ लिखी हुई है। साइनोबैक्टीरिया के नीचे क्या क्या बातें हैं, अकेला भी पाया जा सकता है, कॉलोनी भी बना सकता है, झुंड भी बना सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसा नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर दिया हुआ था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। या आपका पानी में भी पाया जा सकता है, दोनों जगह, फ्रेश वाटर मैराइन वाटर में भी, और आपका लैंड में भी पाया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो जाहिर सी बात है यहां पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पानी में भी पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट भी पाया जाएगा, और काफी सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक हमने पढ़ा था, आपका ऑसिलेटोरिया भी आपका इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है। तो एनाबीना, नॉस्टॉक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वहीं ऐड कर लो ऑसिलेटोरिया भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, जैसे काफी साइनोबैक्टीरिया करते हैं। अगर आप पैडी की फील्ड की बात करो, आप धान की फील्ड की बात करो, चावल की फील्ड की बात करो, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ना, क्योंकि खाना बनाते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं सॉइल में, क्योंकि इनको खाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं और नाइट्रोजन भी आपका फिक्स करते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए किसानों के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एक वरदान की तरह सामने उभर करके आते हैं। तो हम लोगों को कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट को कम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करें, जब भी हम लोग खेती करते हैं खेत में, उस खेत को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दें। जब भी आप 2-3 फसलें उगा लेते हो एक खेत में, 6 महीने के लिए, 1 साल के उस खेत को खाली छोड़ें। क्यों, क्योंकि जब खेत खाली छूटता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस जो है वो पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, खूब सारा नाइट्रोजन जो है वो भी वहां पर सप्लीमेंट होने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली द सॉइल बिकम मोर फर्टाइल, और अल्टीमेटली आप जो अगली फसल उगाओगे इट विल बिकम मोर 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 वैल्यूएबल फॉर यू। ये है हमारा छोटा सा चैप्टर। क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इजी पीजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां देखो भाई, फटाफट बताइए क्या होगा, यहां पर बताइए फटाफट क्या हो गया। जीनस ग्लोमस क्या करता है? सबसे इजी है, पता लगाने की कोशिश करो। जीनस ग्लोमस क्या करता है ना? देखने की कोशिश करो यार आराम से। ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन, गेट रेड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज, है ना? कोई और ऑप्शन नहीं है तो एफिड एंड मॉस्किटो में क्या आ जाएगा? मॉस्किटो वाला आपका ए आ जाएगा। तो ए का क्या हो गया? ए का क्यू हो गया। ए का क्यू आपका हर जगह है तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, है ना? ए का आर तो नहीं हो सकता इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में। तो बैक्यूलोवायरस का एक एग्जांपल है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन शो करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी का आर हो जाएगा। डी का आर हो जाएगा। कितनी जगह पर है? सिर्फ एक जगह पर है। 3 हो जाएगा आंसर सबका। 3 है, करेक्ट है ना? बैक्यूलोवायरस से ही पता लग गया, है ना? बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या करेगा? आपका लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट है। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी की स्टेटमेंट उठा रखी है। ये लेपिडोप्टेरन वाली बात यहां पर नहीं है, लेकिन बायोटेक से उठा ली, क्योंकि देखो भाई बीटी कॉटन आप वहां पे पढ़ते हो ना, यहां पे तो नहीं पढ़ते। तो ये बात आपकी बायोटेक से उठाई है, पर ऐसे लिंक्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? और आपका क्या हो जाएगा यहां पर? और बाकी तो सारे हमने मिला ही लिए बीटी के अलावा, करेक्ट है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका क्या? 3। और देखते हैं सवाल। इसी प्रकार के सवाल आते हैं, कुछ बड़ा सवाल नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? किसको यूज कर सकते हो आप ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज में? क्लोरेला तो आपका क्या करता है? सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? आपका दही जमाता है। एनाबीना क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। ट्राइकोडर्मा जो है आपका, ये क्या कर रहा था? प्लांट को डिजीज से बचा रहा था। इसके अराउंड हमने पूरी की पूरी राम कहानी भी पढ़ी थी। यहां पर देखिए ट्राइकोडर्मा पूरा डायग्राम बना करके हमने पढ़ा था। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में कैसे बचाता है प्लांट को, प्रोटेक्शन ट्राइकोडर्मा। सेम यहां पर पूछा है कि आपका ट्राइकोडर्मा कैसे बचा लेता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। ऐसे एजेंट्स का आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है जो बायो कंट्रोल एजेंट है, किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। बैसिलस थुरिंजियंसिस है, टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं है, एफिड तो खुद भाई खाता है और चीजों को, है ना? इससे तो बचना है, बल्कि हमें इससे हमें कौन बचाता है? लेडीबर्ड बीटल। ट्राइकोडर्मा करेक्ट है, बैक्यूलोवायरस जिसमें न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आता है करेक्ट है, बीटी करेक्ट है, तीनों इंसेक्ट से बचाते हैं। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा। ट्राइकोडर्मा आपका करेक्ट है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे। नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोस्पायरिलम आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस करेक्ट है। उत्तर का आ गया आपका 2 में सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट से। बाकी सारी चीजें यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की दे रखी थी फॉर द कंफ्यूजन पर्पस, कि थोड़ा बहुत एक आधा नाम देकर के घुमाया जाए। सो अभी हुए हैं 2 घंटा 40 मिनट और चैप्टर यार इतना ही बड़ा है, कुछ कर नहीं सकते, बट मजा बहुत आया। अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, दैट इज इकोलॉजी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा एंड में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार नहीं पूछना है कि सर क्या होगा कब होगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कपिल भाई मैं पढ़ाऊंगा सबसे एंड में, यानी अगले हफ्ते। एंड में मतलब बहुत देर में नहीं, अगले हफ्ते में, है ना? विवेक भाई थैंक यू, महिमा जी थैंक यू, ओम प्रकाश, वृंदा, तनुश्री, योगेश, एचएन ब्लॉगर, अजय, लक्ष्य, नीट एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव सबको, बहुत 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 शुक्रिया। और अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इकोलॉजी। 3 चैप्टर बचे हुए हैं, एक इस थर्सडे करेंगे, एक करेंगे अगले मंडे, फिर अगले थर्सडे इकोलॉजी खत्म, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक शॉट में 6 7 8 घंटे जितना भी लंबा लेक्चर होता है आराम से पढ़ाएंगे। सर पीछे मेडल्स दिख रहे हैं, अच्छा रिफ्लेक्शन आ रही होगी, हाँ भाई टांग रखे थे यार पहले यहाँ पे बोर्ड नहीं था तो अब हटाए नहीं है, है ना? उतना कुछ दिखता नहीं है तो इट्स फाइन। चले दोस्तों, कपिल भाई थैंक यू सो मच। नीट एस्पिरेंट सर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, डर लग रहा है। भाई तुम्हें पहले न्यूज मिल जाती है क्या दुनिया से? ऐसा कुछ नहीं है यार, पढ़ाई लिखाई करो, है ना? फिजिक्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो टीम ने कुछ प्लान कर रखा है तो हम लोग उस पर पक्का चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कुछ तोड़-फोड़ कंटेंट। डन। गाना नहीं यार, गाना नहीं, जुकाम हो रखी है, गाना नहीं दोस्त। ओके प्रिंसिका मेरा नाम लीजिए। ओके मैं पढ़ नहीं पाया आपका नाम, प्रिंसिका ही था या प्रियंका था, आई एम नॉट वेरी श्योर, सॉरी है ना। एक और बार मैसेज करोगे तो नाम पढ़ देंगे दोस्त। बाय बाय दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव सबको इस क्लास में आने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। अगला चैप्टर बड़ा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें बोर्ड में नहीं है जो नीट में है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबिया ऑफ एनएमसी, तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगला जो चैप्टर है उसके बाद इकोसिस्टम, उसका एंड का जो पार्ट है वो हटा दिया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया है, तो वो चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा हो गया। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वैसे ही छोटा था, यानी इकोलॉजी में सिर्फ एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसके अलावा सारी की सारी चीजें छोटी हो गई हैं। देन सबसे बड़ा हमारा जो चैप्टर बचा है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगले चार हम लोग सेशंस में कंप्लीट कर रहे होंगे हमारा चैप्टर, है ना। ओके पढ़ा देंगे दोस्त, पीडब्ल्यू लवर पढ़ा देंगे भाई, है ना। तान्या मिश्रा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द क्लास। बबलू भैया थैंक यू यार, है ना। मनुसुया मैं टीम से बात करता हूँ। आयुषी थैंक यू सो मच। चलिए एनसीईआरटी पंच इज मोर देन सफिशिएंट, एनसीईआरटी पंच आपके पास है तो सॉल्व करते रहिए, नहीं है तो ऑर्डर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच बायोलॉजी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपनी पढ़ाई करिए, है ना। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, देन आफ्टर two important chapters of ecology, ecosystem and biodiversity and its conservation, and then after I will be teaching you guys molecular basis of inheritance, all right। families मैं कराऊंगा, जो नई families आई हैं सारी कराऊंगा पक्का, है ना। done दोस्तों, thank you so much, bye bye, take care, lots of love, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां बात कर रहे होंगे इकोलॉजी की, तो जरूर प्रेजेंट रहिएगा, जरूर अवेलेबल रहिएगा, और बहुत मजा आने वाला है इकोलॉजी पढ़ने में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अगले सेशन में थर्सडे को जरूर मुझसे मिलिए। Thank you.